नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार एग्रीकल्चर एंड जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस लाइव क्लास के माध्यम से हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का 2023 का हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, एग्रीकल्चर का है, बीपीएससी द्वारा ये कराया गया था। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं वो मोस्ट रिलेटेड है हमारे जो बीपीएससी और बीपीएससी बीएओ और एसटीएओ का जो सिलेबस है। तो मैक्सिमम जैसे अभी जो है आपका एग्जाम होने वाला है, तो जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम है, मे बी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअल कौन से क्वेश्चन जो है वहां पर पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, जरूरी है कि हम हर एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चले। मैक्सिमम चाहे वो टफ लेवल का क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, तो हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को कवर करना है। तो उसी के नाते जो है हमारे पास यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पेपर है, इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। मैक्सिमम जो है इसमें बिहार का एग्रीकल्चर है, बिहार के एग्रीकल्चर जीके जो है वो इसमें डिस्कस किया गया है, और साथ ही में कुछ करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी जो है इस क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए जल्दी से जल्दी जो है इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए साथ ही, ओके। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसे कम समय बचा हुआ हमारे एग्जाम के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट हो, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके आपके लिए इसके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, जिस टेस्ट सीरीज में जो आपको 50+ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ओके। साथ ही साथ जो है यहाँ पर बीपीएससी जो एग्जाम ये होने वाला है, और इसका जो कंप्लीट सिलेबस है, सिलेबस के बेसिस पर जो है कंप्लीट यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस इसके अंदर रखे हुए हैं। साथ ही आपको मोस्ट रेलिवेंट यहां पर क्वेश्चन है, कोई भी इरेलीवेंट कंटेंट नहीं है। मैक्सिमम जिनके आने के आशंका है वही क्वेश्चन जो है यहां पर रखे गए हैं। साथ ही में इस टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो है अपनी कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगी, जैसे कि आपने कितना स्कोर वहां पर किया, आपका रैंक कौन सा रहा, कौन सा परसेंटाइल आपका यहां पर रहा। तो इस तरह की कंप्लीट एनालिसिस जो है आप वहां पर ले सकते हैं, कितना टाइम आपने वहां पर स्पेंड किया, इस तरह की जो है एनालिसिस आप कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो है 5000 के लगभग हमने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं, मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, एक क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में जो है आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, या हमारी ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके पर जाकर भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को परचेज जो है आप मात्र 600 रुपए में, यानी 599 रुपए में मात्र आप इसे परचेज कर सकते हैं, और आपके लिए एक क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, ओके। ऐप में जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं, और साथ ही इसका जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, वहां से भी आप इसे ले सकते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, इसमें अलग अलग हमारे पास क्वेश्चन है, हर एक जो भी यहाँ पर अलग अलग कोई वहां पर, चाहे बिहार का कोई एग्रीकल्चरल वहां पर करंट अफेयर का है, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर अभी ये लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2023 में, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पास। देखिए क्वेश्चंस जो है यहाँ पर कुछ हमारे पास यहाँ पर, मतलब हर एक लेवल के क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं, साथ ही साथ कुछ इजी क्वेश्चन भी यहाँ पर है। तो हमको जो है हर एक क्वेश्चन को तैयारी करते हुए चलना है यहाँ पर। गुड इवनिंग टू ऑल, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए और भी जो जुड़ना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओके, लिंक को भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं, और जल्दी से जो है फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहां पर क्या दिया गया है। व्हेन वाज द वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ट इन इंडिया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट है वो कब पारित हुआ था, कब जो है उसे पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट। जैसे हम जानते हैं कि पुराने टाइम में कोई भी इस तरह के वेयर हाउस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। वेयर हाउसिंग की बात करें, वेयर हाउस किस तरह के होते हैं, जहां पर इंडियन वेयर हाउसेस की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट वेयर हाउस में जो है इसे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है,
यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या दिया है, स्टेट को भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे के पूरे देश को, इतने सारे स्टेट्स को एक साथ कवर नहीं कर सकते, ओके कवर नहीं कर सकते, तो इसके साथ क्या किया उन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी किस पे, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। जो स्टेट गवर्नमेंट है फिर क्या चलाती है, स्टेट वेयर हाउस चलाती है, वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चलाती है, सेंट्रल वेयर हाउसेस चलाती है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो मोस्टली काम के बारे में बात करें, इसके वेयर हाउसिंग के वर्क क्या रहते हैं, फंक्शन क्या रहते हैं, तो जो हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वर्क होते हैं कोई भी एग्रीकल्चर कॉमोडिटी हो, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी में हमारे पास सीड्स आ जाते हैं, फर्टिलाइजर आ जाते हैं, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट आ जाते हैं, तो मैक्सिमम हर एक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कॉमोडिटी है उसका ट्रांसपोर्ट करना, उसे स्टोर करना किसका कार्य रहता है, एक तरह से वेयर हाउसेस का काम यहाँ पर रहता है। तो आंसर हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर, कुमारी साक्षी जी कह रही है 1962, दस दीपक पाल जी का बी है 1962 है मैक्सिमम, जो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर नहीं है, जो ऑप्शन सी हमारे पास है, ठीक है, 1962 जो है राइट आंसर है, जिसका 1962 आंसर है वो राइट है, ओके। श्यामो वर्मा जी का राइट आंसर है, अमित कुमार झा जी का भी राइट आंसर है, ओके, विपुल श्रीवास्तव जी का भी राइट आंसर है, कुमारी साक्षी जी का भी राइट आंसर है। कब आया था ये एक्ट, 1962 में जो है वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट जो है पास किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी से रिलेटेड अगला हमारे पास क्वेश्चन यहां पर है, हाउ मेनी वेयर हाउसेज आर अंडर ऑपरेशन इन इंडिया। बात करें 2023 तक की, तो 2023 के डेटा के अनुसार हमारे पास यहां पर करंटली कितने यहां पर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हैं जो इंडिया में करंटली फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई। अमित कुमार झा जी कह रहे हैं ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार जी का है ऑप्शन सी, चलिए और लोग भी कमेंट करते रहिए, कितने हमारे पास यहाँ पर वेयर हाउस यहाँ पर करंटली वर्क कर रहे हैं इंडिया में। तो जिसका राइट आंसर है, जिसका 320 जिसने आंसर किया है, श्यामू वर्मा जी का राइट आंसर है, प्रदीप कुमार जी का भी राइट आंसर है, ओके, अमित कुमार झा जी का भी राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी, यानी 320 करंटली कितने हैं, 320 जो है वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जो यहाँ पर हमारे पास सेंटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं करंटली ऑपरेशंस में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज रिलेटेड टू सीड वायबिलिटी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, यानी कि कौन सा है हमारे पास सीड वायबिलिटी से रिलेटेड टेस्ट, इनमें से कौन सा है, ऑप्शन है टेट्राजोलियम टेस्ट जिसे टीजेड टेस्ट भी कहा जाता है, विटार्ट कलरिंग टेस्ट है, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी टेस्ट जिसे कि हम GADA टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या सभी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा जो है इसमें राइट आंसर है। देखिए बात करें हम वायबिलिटी की, तो जो जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी कब तक रहती है सीड में, उसे क्या कहा जाता है वायबिलिटी, यानी जब तक वो एबल है किसके, जर्मिनेशन के। आर के द्विवेदी जी कह रहे हैं ऑप्शन ए, श्यामो वर्मा जी का भी ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है राइट आंसर है इसका, कौन सा है हमारे पास टेट्राजोलियम टेस्ट जिसे कि टीजेड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सीड वायबिलिटी के लिए ये किया जाता है। वहीं पर हमारे पास दूसरा टेस्ट है यहाँ पर विटाल कलरिंग टेस्ट दिया गया है, तो जो ये वाइटल कलरिंग टेस्ट है ये किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है कोई भी अगर एक तरह का डैमेज अगर सीड के सरफेस पे हमें दिखता है तो ये डेड सेल को क्या कर लेता है, एक तरह से स्टेन करता है, तो इस तरह से जो है डेड सेल्स का हम पता लगा सकते हैं, डेड सीड्स का पता लगा सकते हैं किससे, विटाल कलरिंग टेस्ट से, उसका कोई सरफेस अगर डैमेज है। अगला है हमारे पास यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी टेस्ट, ये जो टेस्ट है किस लिए किया जाता है, सीड विगर को टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट को यूज में लाया जाता है, ठीक है, जिसका भी ऑप्शन ए है राइट आंसर है, ओके, टीजेड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर। जल्दी से कमेंट करके बताते जी, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या दिए गए आपके पास कि साइक्रोमीटर में से, जो साइक्रोमीटर हमारे पास एक क्या रहता है इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किस चीज को मेजर करता है, एयर टेम्परेचर को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, या ऑल ऑफ दीज। कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो साइक्रोमीटर है, स्लिंग साइक्रोमीटर का नाम आपने सुना होगा, साइक्रोमीटर का नाम आपने सुना होगा, तो किससे वो मेजर करता है इनमें से, एयर टेम्परेचर को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ड्यू पॉइंट को, या इनमें से सभी को।
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर की बात करते हैं सीधे। जो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि जो यहां पर हमारे पास क्या है, एयर टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो हर एक यहां पर क्या करता है, मेजर किया जाता है। इससे किस चीज को मेजर किया जाता है, यहां पर इससे मेजर किया जाता है एयर टेम्परेचर भी ये मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मेजर करता है, ड्यू पॉइंट भी मेजर करता है। और इसी के साथ जो है टेम्परेचर दो कंडीशन में, एक तो वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया, वहीं पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से क्या करता है, यहां पर ये मेजरमेंट करता है। साइक्रोमीटर का हमें क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है जिसे आपने देखा होगा। साइक्रोमीटर का क्या होता है तैयार, एक ग्राफ जो है, अश्विनी ओझा जी का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। इसका एक ग्राफ बनता है जिसमें हम अलग अलग लाइनों से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, अलग अलग उसमें लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो जो वर्टिकल लाइंस उस ग्राफ में पाई जाती हैं वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिनोट करती हैं, ओके, जो वर्टिकल लाइंस होंगी। उसके बाद कौन सी आती है यहां पर, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो करती हैं ड्यू पॉइंट को डिनोट, ओके। जो हम ड्यू पॉइंट को डिनोट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है ग्राफ पर उसे डिनोट करते हैं, ओके। वहीं पर कुछ डायगोनल लाइंस होती हैं वो वेट बल्ब टेम्परेचर को वहां पर क्या करती हैं, डिनोट करती हैं। और जो कर्व्ड लाइन होती हैं, ओके, उसी ग्राफ में क्या होती हैं, एक तरह से कर्व्ड लाइन होती है, जैसे ये आपका ग्राफ होता है तो जो इस तरह की कर्व्ड लाइन वहां पर होंगी ये आरएच को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या करती हैं, डिनोट करती हैं, ओके। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस तरह की सीधी लाइन इस ग्राफ में जो होती है वो लाइनें किसे करती हैं डिनोट, ड्यू पॉइंट को जो है वो डिनोट करती है। वहीं पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो किसे, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसे जो है ये डिनोट करती हैं, ओके। और कुछ डायगोनल लाइंस यहां पर पाई जाती हैं इस तरह की, इसी ग्राफ में इसी तरह का ये ग्राफ आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो जो ये डायगोनल लाइंस हैं ये जो है वेट बल्ब जो टेम्परेचर है उसको डिनोट करती हैं। गुड इवनिंग राहुल कुमार जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, व्हाट इज एन एवरेज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इन फ्रूट्स। कितना एवरेज, मतलब कितना एवरेज लॉस होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग फ्रूट्स में, अक्सर कितना लॉस देखा जाता है। अलग अलग यहां पर आपके पास परसेंटेज दी गई है, 4.5% से 6% तक, 6.5 से 8.5% तक, 3 to 9.5% या 7.5 to 15.5%। तो कितना जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है देखा जाता है फ्रूट क्रॉप्स में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब देखिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करें तो जैसे ही क्या किया जाता है, उनको पिक किया जाता है फ्रूट को, या हार्वेस्ट किया जाता है किसी भी फ्रूट को, तो हार्वेस्टिंग के बाद ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या ड्यूरिंग जो प्रोसेसिंग की अलग अलग टेक्निक्स होगी, जैसे क्लीनिंग हो गया, वहीं पर उसकी सॉर्टिंग हो गई, साथ ही साथ ड्राइंग हो गई या किसी फ्रूट प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है मैक्सिमम लॉस जो है वहां पर देखा जाता है। तो कितना होता है वो लॉस, आर के डी जी कह रहे हैं ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी जिसका है, अमित वर्मा जी का ऑप्शन डी है, तो जो ऑप्शन डी है राइट आंसर है, ओके, कौन सा है, 7.5 to 15.5, ठीक है। कितना है, 7.5 से लेकर के 15.5% तक क्या देखा जाता है यहां पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है फ्रूट्स में देखे जाते हैं, फलों में इतनी क्षति देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर व्हीट प्रोक्योरमेंट बाय एफसीआई, ओके। कितने यहां पर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, ठीक है, कि जितना मैक्सिमम, कितना जो है, कितना परसेंट, कितना जो है गेहूं को प्रोक्योर कर सकता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए प्लीज। वीर प्रकाश तिवारी जी का भी राइट आंसर था, अश्विन ओझा जी का भी राइट आंसर था ऑप्शन डी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जो कि व्हीट प्रोक्योरमेंट कितनी लिमिट है एफसीआई के लिए, कितनी मैक्सिमम लिमिट कितनी है व्हीट के प्रोक्योरमेंट करने के लिए। ऑप्शन ए किसी का आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा, सारे के सारे जल्दी से कमेंट कर लीजिए क्या रहेगा इसका राइट आंसर, कितना मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट रहती है व्हीट की प्रोक्योरमेंट के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं सीधे, जो ऑप्शन डी कुमारी साक्षी जी का है ऑप्शन डी, आशीष राज प्रजापति जी भी कह रहे हैं ऑप्शन डी, आर के द्विवेदी जी का भी है ऑप्शन डी। तो देखिए जिन जिन ने ऑप्शन डी जो है, ओके जी, हम साथ ही साथ जो है हिंदी में इसको बताते रहते हैं आपको, ठीक है, साथ ही हिंदी में भी बता दे रहे हैं।
क्या है यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कितना प्रोक्यूर कर सकता है एक टाइम पे, मतलब कि स्टैंडर्ड किस तरह के रहने चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मतलब कि अगर व्हीट की प्रोक्योरमेंट क्या करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर व्हीट को इकट्ठा करता है, प्रोक्यूर उसे करता है कहीं से, तो उनमें कितना जो है एक तरह की परमिसिबल लिमिट किस तरह की रहनी चाहिए, तो उसमें बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन यहां पर हमारे सही है यहां पर, ठीक है। तो देखें तो जो 14% क्या रहना चाहिए वहां पर, मॉइस्चर कंटेंट, यानी व्हीट में 14% नमी रहनी चाहिए, तभी उसे क्या किया जाएगा, एफसीआई द्वारा उसे प्रोक्योर किया जाएगा। वहीं पर बात करें तो फॉरेन मैटर कितना, 0.75% वहां पर फॉरेन मैटर रहना चाहिए तभी जा करके, ठीक है। मैक्सिमम इससे ज्यादा अगर होगा, मॉइस्चर कंटेंट अगर 14 से ज्यादा होगा, तो एफसीआई जो है ऐसे व्हीट को प्रोक्यूरमेंट नहीं करती है। ओके, प्रदीप कुमार जी का भी ऑप्शन डी है, तो जो ऑप्शन डी है राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6% श्रीवेल्ड एंड ब्रोकन ग्रेन्स, यानी कि 6% तक जो श्रीवेल्ड, जो मुरझाए हुए कुछ ग्रेन होंगे और साथ में जो टूटे हुए कुछ ग्रेन्स हो जाते हैं व्हीट के, क्योंकि ये एक तरह से कैसे बल्क में स्टोर किया जाता है इसे, तो वहां पर इस तरह के लगभग 6% तक जो है ब्रोकन ग्रेन कैसे हैं वहां पर परमिसिबल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया दिए गए हैं, इन क्राइटेरिया तक जो है क्या कर सकता है, प्रोक्यूरमेंट की जा सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपने इसको याद रख लेना है कि 14% क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। कई बार सिंगल इससे क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हीट के प्रोक्योरमेंट में, एफसीआई में जो व्हीट की प्रोक्योरमेंट की जाती है, मॉइस्चर कंटेंट उस वक्त कितना रहना चाहिए। तो इसको याद कर लीजिए इंडिविजुअली, जो मॉइस्चर कंटेंट है 14 रहना चाहिए, 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.75 हमारे पास यहाँ पर परसेंट में फॉरेन मैटर वहां पर हो सकता है, 6% तक श्रीवेल्ड और जो ब्रोकन सीड है, वो टूटे हुए जो सीड है वो वहां पर परमिसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खपरा बीटल, यहां पर कौन सा खपरा बीटल का कौन सा यहां पर साइंटिफिक नेम है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है, लेसियोडर्मा सेरिकॉर्न है, वहीं पर स्टेगोबियम पेनिशियम है, या कैरियोडन सिरेटस है। बहुत ही ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हीट में लगने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे स्टोरेज बेस्ट माना जाता है, कौन सा है, खपरा बीटल। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कौन सा जो है इसका साइंटिफिक नेम कौन सा है खपरा बीटल का, इसमें से। देखिए तो जो इसका जो आंसर है कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन ए जिसका जवाब आ रहा है, संदीप कुमार जी है, दीपक पाल जी हैं, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी ऑप्शन ए जिसका आंसर है राइट आंसर है। ओके, जो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम जो है उसे कहा जाता है, कौन सा, जो खपरा बीटल होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारे पास स्टोरेज पेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्राइमरी पेस्ट ऑफ पल्सिस। देखिए यहां पर हमारे पास ये भी स्टोरेज पेस्ट का ही है, स्टोरेज पेस्ट जानते हैं आप लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी में जो इन्हें डिवाइड किया गया है। प्राइमरी किस तरह के, जो पहले अटैक करते हैं, जो वहां पर क्या कर देते हैं, ग्रेन्स को टुकड़ों में वहां पर बांट देते हैं, और सेकेंडरी क्या करते हैं, जो उन्हीं टुकड़ों पर जो प्राइमरी पेस्ट ने डैमेज किए हैं उन पर फीड करते हैं, उन्हें सेकेंडरी पेस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है यहां पर कोलेसोब्रुकस चाइनेंसिस है, वहीं पर साथ साथ साइटोट्रोगा सीरियलेला है, प्लोडिया इंटर पंक्टेला है, या ऑल ऑफ दीज। कमेंट करके बताइए जल्दी से राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, कौन सा पूछा गया हमारे पास, प्राइमरी पेस्ट ऑफ पल्सिस जो है यहां पर पूछा गया है। तो जिसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ओके, देखिए हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को देखें तो जो दालों में, ठीक है, जो भी दलहनी फसलें हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जब दलहनी फसलों का भंडारण किया जाता है, तो उस समय पर कौन सा जो प्राथमिक पेस्ट वहां पर लगता है, मतलब कौन सा इनमें से कीट है प्राथमिक तौर पर वहां पर नुकसान पहुंचाता है दलहनी फसलों में। तो देखिए कौन सा इसका जो साइंटिफिक नेम उसका क्या है, कैलोसोब्रुकस चाइनेंसिस, कौन सा है यहां पर हमारे पास, कैलोसोब्रुकस चाइनेंसिस, जिसे क्या कहा जाता है, जो हमारे पास यहां पर जिसे पल्स बीटल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये जो है ये एक तरह से प्राइमरी पेस्ट होता है जो कि पल्सिस क्रॉप को क्या करता है, डैमेज यहां पर करता है। ओके जी हाँ, देशदीप कमल जी कह रहे हैं पल्स बीटल, जी हाँ पल्स बीटल जो है इसे कहा जाता है, प्राइमरी पेस्ट होता है ये दलहनी फसलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टफनिंग अकर इन वेजिटेबल मेनली ड्यू टू,
यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि जो टफनिंग है कई बार आप देखते होंगे स्टोरेज में जब रखा जाता है वेजिटेबल को तो एक तरह से उनका जो सरफेस है वो हार्ड हो जाता है बहुत ही ज्यादा, मतलब कि टफनिंग जो है उनमें आ जाती है, मतलब कि सरफेस जैसे पहले डेलिकेट होती है वेजिटेबल इजिली वो ब्रेक हो जाती है टूट जाती है, बट बाद में कुछ ज्यादा वो फाइब्रस होने लगती है और धीरे धीरे उनमें एक तरह से टफनिंग आ जाती है, मतलब स्ट्रांग हो जाती है और एडिबल पर्पज के लिए वो फिर प्रॉपर नहीं रह पाती, खाने योग्य वो नहीं रह जाती, एक तरह से बहुत ही सख्त हो जाती है वेजिटेबल्स। तो किन कारणों से होती है, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज एट हायर टेम्परेचर, कि अगर आपने लंबे समय तक जो है हायर टेम्परेचर में उच्च तापमान में अगर आप ज्यादा समय तक उन्हें भंडारित करते हैं तब जाके जो है वहां पर क्या होता है, ठीक है, कि आपने क्या किया है उच्च तापमान में आप भंडारित करते हैं सब्जियों को ज्यादा समय के लिए तब उसमें टफनिंग आती है, या लाइट में उसे एक्सपोज किया जाता है ज्यादा समय के लिए तब उसमें टफनिंग आती है, या उसे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एक्सपोज किया जाता है तब उसमें टफनिंग आती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मैक्सिमम जो ये सारी कंडीशंस यहां पर है, ठीक है, जितनी भी यहां पर ये सारी कंडीशन दी गई है, देखिए जो पीडीएफ है आपको आरके दे दीजिए, जो इस पेपर का पीडीएफ है आपको हमारी ऐप एग्रीकल्चर एनजीके में मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड जीव के ऐप में जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और जितनी भी हमारी इससे रिलेटेड क्लासेस अभी तक हुई है उन सभी क्लासेस का जो पीडीएफ है आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा, ओके, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर जो है ऑल ऑफ दीज यानी कि सारे के सारे जो कारण रहते हैं टफनिंग के लिए यहां पर उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, जिसका ऑप्शन डी था, अश्विनी ओझा जी का ऑप्शन डी है, कुमारी साक्षी जी का ऑप्शन डी है, मुकेश कुमार जी का, आशीष राज जी का, ठीक है, जिनका भी ऑप्शन डी यहां पर, अमित वर्मा जी स्टडी पॉइंट है, तो जो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर है, ठीक है, सारे के सारे कारण क्या रहते हैं टफनिंग के यहां पर कारण रहते हैं। बात करें टफनिंग किस तरह से होती है तो जो सेल वॉल्स होती हैं दो तरह की सेल वॉल पाई जाती है, एक तो प्राइमरी सेल वॉल होती है और जब उसकी लिग्निफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद कौन सी बनती है वहां पर हमारे पास है, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल की लिग्निफिकेशन बनने के बाद हमारे पास वहां पर क्या बनता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, क्या बनती है सेकेंडरी सेल वॉल, और वही सेकेंडरी सेल वॉल क्या करती है वहां पर एक तरह से टफनिंग का कारण बनती है, ठीक है, मतलब कि सेकेंडरी सेल वॉल का बनना टफनिंग के लिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रेशन कमिटी फॉर कंट्रोल ऑफ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। देखिए जो कीटनाशी अधिनियम आया था, इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था, कब आया था 1968 में आया था, कब आया था 1968 में, 1968 में जो है इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था, उसी के अकॉर्डिंग क्या है वहां पर रजिस्ट्रेशन कमिटी ने किस इंसेक्टिसाइड को अप्रूव किया है कि जिसको हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोर्ड ग्रेन में, यानी कि जब हम भंडारित करेंगे अनाजों को तो वहां पर हम उन कीटनाशियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कौन से हैं यहां पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बी है या सी है या डी है। पहले देखिए तो इथाइलिन डाइक्रोमेट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल ब्रोमाइड क्लोरोपिक्रन, वहीं पर थर्ड हमारे पास है डेल्टा मैथ्रीन, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देश दीपक पाल जी कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज, ठीक है, जिनका ऑल ऑफ दीज है मुकेश कुमार जी का ऑल ऑफ दीज है, ऑप्शन डी आशीष प्रजापति जी सही कह रहे हैं, ओके, दिविशा जी का राइट आंसर है, रितु चौधरी जी का राइट आंसर है, कुमारी साक्षी जी का राइट आंसर है, ठीक है, जिनका ऑप्शन डी है राइट आंसर है, यानी कि ये सारे के सारे जो यहां पर हमारे पास क्या दिए गए हैं इंसेक्टिसाइड दिए गए हैं कीटनाशी दिए गए हैं इन सभी को अप्रूव किया गया है रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा कि स्टोर्ड पेस्ट में जो है इनको जो है इस्तेमाल में किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहां पर कि अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। यहां पर फिर से हमारे पास एक लिस्ट दे दी गई है जो कि क्लोरोपाइरीफॉस मिथाइल है, वहीं पर साइफ्लुथ्रिन है और साथ ही साथ पाइरीमिफॉस मिथाइल है, या ऑल ऑफ दीज कौन से जो इंसेक्टिसाइड को अप्रूव किया गया है, ठीक है, जिनसे जो है रिकमेंड किया जाता है एक तरह से इंसेक्टिसाइड को कि भंडार गृह में जो स्टोर्ड ग्रेन जहां पर हमने रखे हैं भंडार गृह में वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है इसका, ठीक है, अमित वर्मा जी का ऑप्शन डी है, देखिए हाँ जी मुकेश कुमार जी कह रहे हैं ऑल, ठीक है, प्रदीप कुमार जी का भी ऑल है, तो हाँ जी ये सारे के सारे जो भी हमारे पास क्या है यहां पर इंसेक्टिसाइड दिए गए हैं
इन सभी इंसेक्टिसाइड को जो है रिकमेंड किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। ये सारे के सारे इंसेक्टिसाइड को रिकमेंड किया जाता है कि इनसे क्या किया जाए, जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है उनको जो है एक तरह से इनसे बचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टॉप शूट बोरर ऑफ शुगर केन। देखिए, टॉप शूट बोरर ऑफ शुगर केन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सही से जाना होगा, सिम्टम किस तरह के देते हैं वो भी आपको पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कौन सा जो है इसमें से कथन यहाँ पर है ट्रू है कि जो टॉप शूट बोरर से रिलेटेड यहाँ पर है। देखिए, ऑप्शन ए में आपके पास दिया गया है, इट इज कॉज्ड बाय सर्पोफेजा एक्सपर्टेलिस वॉकर। ठीक है, ये जो है इसे कॉज करता है, साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्या है, राइट है। यानी कि पहला तो यहाँ पर कथन क्या है, एक तरह से राइट है। दूसरा देखते हैं, ब्राउनिश ब्लैक डेड हर्ट फॉर्मेशन इज अ कॉमन सिम्टम। देखिए, सिम्टम भी इसी तरह का वहां पर बनता है, ब्राउनिश ब्लैक डेड हर्ट सिम्टम जो है इसके इफेक्ट से देखा जाता है। नेक्स्ट है, सॉइल एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरॉन 3G एट द रेट 33.33 kg प्रति हेक्टेयर ग्रेन्यूल्स के इस्तेमाल किया जाए, तो ये भी क्या है यहाँ पर राइट है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जिनका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, मुकेश कुमार जी का, दिनेश प्रसाद जी हो गए, कुमारी साक्षी जी, अश्विन ओझा जी, विवेक वसोद जी, संदीप कुमार जी, अमित वर्मा जी, सभी के आपके जो है राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीज्ड वैरायटी ऑफ जिंजर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इनमें से कौन सी जो है जिंजर की वैरायटी यहां पर नहीं है, मतलब कि अदरक की कौन सी वैरायटी इनमें से नहीं है। रिजाथा है ऑप्शन, महिमा है, एमटीयू 10-11 है और वरादा है। जल्दी से बताइए कौन सा जो है इसका राइट आंसर है, इनमें से कौन सी वैरायटी जो है जिंजर की नहीं है, अदरक की वैरायटी इनमें से कौन सी नहीं है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है कौन सा है हमारे पास, एमटीयू 10-11। ठीक है, कौन सी है यहां पर, जो एमटीयू 10-11 है, एमटीयू 10-10 के नाम से भी राइस की एक वैरायटी है। ठीक है, लॉन्ग ग्रेन राइस की वैरायटी है कि जिसे मेगा राइस कहा जाता है। तो मे बी, कंफर्मेशन तो हमें नहीं है, बट ये मे बी राइस की वैरायटी हो सकती है। ओके, जो 10-11 है ये जिंजर की वैरायटी तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो रेस्ता, महिमा और वरादा, ये जिंजर की वैरायटी है, जो MTU 10-11 के नाम से एक वैरायटी आती है। ठीक है, 10-10 के नाम से एक वैरायटी आती है जिसे कि मेगा राइस कहा जाता है। ओके, तो उसी सीरीज में भी ये वैरायटी भी जो है राइस की वैरायटी हो सकती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू टर्मेरिक इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यहां पर हमारे पास क्या दिए गए हैं, टर्मेरिक से रिलेटेड यानी हल्दी से रिलेटेड कुछ तथ्य यहां पर दिए गए हैं। ओके, यहां प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं 10-11, सही बात है। ठीक है, राइट आंसर था आपका, जिसका ऑप्शन सी जिसका है वो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब टर्मेरिक यानी कि हल्दी से रिलेटेड यहां पर आपके पास कुछ यहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं, अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं कि राइजोम जो है 1.8% से लेकर के 5.4% उसमें क्यूक्यूरमिन होता है, वहीं पर 2.5% से 7.2% एसेंशियल ऑयल। तो ये क्या है हमारे पास यहां पर है? राइट है कि इसमें इतना ही क्या पाया जाता है, एसेंशियल ऑयल पाया जाता है और क्यूर्क्यूमिन, जो यानी कि एक तरह से जो पीला कलर देता है हल्दी में, कौन सा है वो, क्यूर्क्यूमिन। तो वो भी यहां पर कितना पाया जाता है, वो भी 1.5 to 5.4% जो है वो हल्दी में पाया जाता है। तो यहां पर जो है हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है कितना, 20°C to 30°C जो है टेम्परेचर दिया गया है ऑप्टिमम टेम्परेचर। सीड रेट 2.5 टन पर हेक्टेयर, तो ये मैक्सिमम जो है यहां पर कौन से हैं हमारे पास, ये भी राइट है और सेकंड भी राइट है, थर्ड भी हमारे पास राइट है यहां पर। तो जो देखें यहां पर ऑप्शन डी जो है, ओके, यानी कि मिस कावी, वरदान और किसान, यहां पर हमारे पास जो तीन वेराइटीज दी गई है ये हल्दी की वेराइटी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ओके, जिसका जो साक्षी कुमारी जी का ऑप्शन डी है और साथ ही साथ रितु चौधरी जी का ऑप्शन डी है, तो जिसने ऑप्शन डी कमेंट किया है वो राइट आंसर है। ओके, कौन सा है हमारे पास, जो मेसकावी है, वरदान और किसान, ये जो है हल्दी की वैरायटीज नहीं है। ओके, हल्दी की वैरायटी नहीं है। बात करें मेसकावी वैरायटी की यहां पर, तो हमारे पास जो मेसकावी वैरायटी है बरसीम की एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है ये। ओके, किसकी, जो फोडर क्रॉप है हमारे पास बरसीम जिसे कहा जाता है, तो बरसीम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इजिप्ट से जो है इसे इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया, और कहां पर किया गया था, जो HAU हिसार है, यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हरियाणा हिसार में है, वहां पर जो है इसे, इस पर काम किए गए और इजिप्ट से जो है इस बरसीम की क्रॉप को, वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहीं से हम पहचान कर सकते हैं कि
जो ऑप्शन डी है हमारे पास यहां पर है, यहां पर राइट आंसर है इसका। ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहां पर, जो इसका सीड रेट है 2.5 टन प्रति हेक्टेयर रहता है। ओके इसकी क्योंकि राइजोम से जो है ये क्या रहता है, प्रोपागेट होता है, तो लगभग 2.5 टन प्रति हेक्टेयर जो है इसका सीड रेट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग चिली वेराइटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडिया। देखिए ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप जानते होंगे इसके बारे में तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। हमारे पास क्या पूछा गया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चिली कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा तीखापन जो है उसमें पाया जाता है, इंडिया में वो पाई जाती है और संसार की यानी वर्ल्ड की भी सबसे ज्यादा तीखी मिर्च उसे ही कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है चपाता है, पूसा ज्वाला है, भूत जलोकिया है या साबौर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, जो स्ट्रॉन्गेस्ट चिली कौन सी है इंडिया में। मुकेश कुमार जी का है ऑप्शन सी, कुमारी साक्षी जी कह रही हैं ऑप्शन सी, देश दीपक पाल जी कह रहे हैं यहां पर पूसा ज्वाला। देखिए जो मेन बात करें हम यहां पर, जो सबसे ज्यादा तीखी मिर्च जिसे कहा जाता है एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट चिली है जो इंडिया की, कौन सी है यहां पर, ऑप्शन सी जिसका है राइट आंसर है। ओके कौन सा है, ऑप्शन सी यानी कि भूत जलोकिया नामक जो चिली है ये स्ट्रॉन्गेस्ट चिली होती है इंडिया में, ये उगाई जाती है ज्यादातर कहां पर इसकी प्रोडक्शन होती है, ये जो मणिपुर और असम का एरिया यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है मणिपुर और असम स्टेट में मैक्सिमम इसकी क्या की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, उगाई जाती है, वहीं पर ये पाई जाती है और वर्ल्ड की भी सबसे ज्यादा तीखी मिर्च यही मानी जाती है और इंडिया में ही ये ओरिजिन इसका। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ग्रांटेड जीआई टैग इन 2022 फ्रॉम बिहार स्टेट। देखिए बिहार स्टेट का ये भी क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है कि सबसे लेटेस्ट में यानी कि 2022 में किसे जो है यहां पर जीआई टैग दिया गया था। ठीक है ऑप्शन आपके पास है भागलपुरी जरदालू मैंगो को, शाही लीची को, कतरनी धान को या मिथिला मखाना को, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका। कुमारी साक्षी जी का है ऑप्शन डी, जल्दी से कमेंट कीजिए बाकी भी आंसर दीजिए कौन सा इसका राइट आंसर है यहां पर, कि जिसे लेटेस्ट में 2022 में जो है यहां पर क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है तो मैक्सिमम ऑप्शन डी जिनका है मखाना है। ओके जिसे कि फॉक्स नट के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे जो है लेटेस्ट में कब यहां पर इसको लगभग अगस्त या अप्रैल, ठीक है कंफर्मेशन आप कर लेना, ठीक है अगस्त या अप्रैल 2022 में जो है इसे क्या दिया गया है, जीआई टैग जो है दिया गया है। ओके तो कब दिया गया है, 2022 में। बात करें बाकी जो भागलपुरी जरदालू मैंगो है, शाही लीची है, कतरनी धान है, तो इनको भी जो है जीआई टैग दिया गया है, बट इनको पहले मिला है 2018 में जो है इनको जीआई टैग दिया गया है, और बाकी लेटेस्ट में जो है 2022 में किसे, जो मिथिला मखाना है फॉक्स नट के नाम से जिसे जाना जाता है उसे जो है लेटेस्ट में 2022 में जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैच विद द क्रॉप एंड इट्स सीड रेट इज नॉट करेक्ट। ठीक है यहां पर आप देखिए कि कौन सा जो है किस क्रॉप का यहां पर जो है सीड रेट करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहां पर दिया गया है आपके पास जूट यानी कि जो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जैसे हम जानते हैं दो तरह के जूट होते हैं, ठीक है एक होता है कैप्सुलरिस दूसरा होता है ऑलिटोरियस। ठीक है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस और कॉर्कोरस ऑलिटोरियस, तो कैप्सुलरिस का हमारे पास बताया गया यहां पर कि इसका जो सीड रेट है 12 केजी प्रति हेक्टेयर है, बरसीम का 35 केजी प्रति हेक्टेयर यहां पर दिया गया है, पर्ल मिलेट का जो है 5 केजी प्रति हेक्टेयर दिया गया है और कोरिएंडर का इरिगेटेड कंडीशन में 10 केजी पर हेक्टेयर जो है हमारे पास यहां पर सीड रेट दिया गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका कौन सा होने वाला है, कौन सा यहां पर करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। देखिए बात करें यहां पर हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो जो कोरिएंडर है हमारे पास, ठीक है कोरिएंडर का इतना ही लगता है लगभग 10 से 15 तक में भी वेरी कर सकता है, बट इरिगेटेड कंडीशन मोस्टली 10 केजी लगता है, तो ये क्या है राइट है हमारे पास यहां पर। बात करें पर्ल मिलेट की, तो पर्ल मिलेट का भी इतना ही 3 से 5 तक क्या करता है वेरी करता है, तो मतलब यहां पर 5 भी क्या है एक तरह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, 5 केजी क्या है पर्ल मिलेट का रेट है। ओके अगला देखते हैं, गुड्डू कुमार जी कह रहे हैं ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ठीक है जिनका रितु चौधरी कह रहे हैं ऑप्शन ए, तो जिसका भी ऑप्शन ए है संदीप कुमार जी का ऑप्शन ए है, देश दीपक पाल जी ऑप्शन ए कह रहे हैं। ठीक है तो जिसका भी ऑप्शन ए यहां पर, कुमारी साक्षी जी भी कह रही है ऑप्शन ए। ठीक है तो जो हाँ जो ऑप्शन ए यानी कि जूट यहां पर क्या है राइट आंसर है हमारा। ठीक है जूट में देखा जाए तो मोस्टली ब्रॉडकास्टिंग में अगर इस्तेमाल करें हम तो जो कैप्सुलरिस है उसका कितना यूज होता है 10 केजी यूज होता है, और बात करें हम ऑलिटोरियस जूट की तो 7 केजी जो है उसका यूज होता है, किसमें ब्रॉडकास्टिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर तो बहुत ही ज्यादा दे दिया गया है क्योंकि अगर हम नॉर्मल वहां पर
उसकी सोइंग करें तब जाके और भी कम वहां पर सीट रेट आता है, ठीक है, लगभग 7 से 8 kg के बीच में ही वेरी करता है। तो जो है ऑप्शन ए यानी कि जूट यहां पर करेक्ट मैच नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन का हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। क्रॉप कॉफिशियंट केसी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्चुअल क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन रेट ऑफ क्रॉप, ठीक है, एंड पेन इवेपोरेशन डेटा E0 बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यहां पर ये थोड़ा कैलकुलेशन का है, तो फॉर्मूला के बता दूं आपको, जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। ओके, इसका जो है कौन सा ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस फॉर्मूले से जो है ये क्रॉप कॉफिशियंट जो है इस तरह के ये कैलकुलेट जो है किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। यहां पर कॉलम ए को जो है कॉलम बी से हमने मैच करना है। क्या दिया गया है यहां पर, कंटेन्स क्रॉप एंड कोरेस्पॉन्डिंग इवेपोट्रांसपिरेशन वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, तो किस क्रॉप की कितनी यहां पर इवेपोट्रांसपिरेशन वैल्यू है उनको हमने मैच करना है यहां पर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। यहां पर हमारे पास क्रॉप है राइस है व्हीट है मेज और शुगर केन है, चार हमारे पास क्रॉप्स हैं। इनका जो पर्टिकुलर क्या होगा इवेपोट्रांसपिरेशन वैल्यू कहां तक है किस तरह की यहां पर है सामने ऑप्शन बी और टेबल जो है आपके पास दिया गया है यहां से आप मैच कर सकते हैं करेक्टली इसको। तो देखिए राइट आंसर की बात करूं इसकी तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि ए का क्या है यहां पर फर्स्ट 60 है, बी का कौन सा है यहां पर 40 है, ठीक है, यानी वेट का कितना रहता है 40 सेंटीमीटर। जो बात करें सी का तो सी का यहां पर सेकंड है यानी कि 62 सेंटीमीटर मेज का है, वहीं पर जो डी है थर्ड यानी कि 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको इसकी आंसर की और साथ ही आंसर की के साथ जो है आपको ये पेपर जो है हमारी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, वहां से जो आप इसको सही से यहां पर टैली कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर जो हमारा पास ऑप्शन था, देखिए ऑप्शन कौन सा था, सी हमारा करेक्ट है। ओके, तो यहां पर देख लेते हैं हम जो ऑप्शन ए है हमारा, ठीक है, ए का क्या है यानी कि राइस है, राइस क्रॉप का कितना है 60 यहां पर है, कितना हमारे पास है ईटी जो वैल्यू है इसकी इवेपोट्रांसपिरेशन वैल्यू 60 रहती है। वहीं पर देखें व्हीट की कितनी है यहां पर 40 हमारे पास वैल्यू है। ओके, 40 व्हीट की वैल्यू है, मेज की देखें तो मेज की 60 है और उसी के साथ जो शुगर केन है शुगर केन की कितनी है यहां पर 62 जो है शुगर केन की वैल्यू यहां पर रहती है। ओके, तो ये है हमारे पास यहां पर करेक्ट मैच है इसका, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला भी हमारे पास इसी तरह का मैचिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर लिस्ट ए कंटेन्स क्रॉप्स एंड लिस्ट बी कंटेन्स ऑप्टिमम यहां पर सॉइल वाटर रेजिम, ठीक है, मतलब कि कितना ऑप्टिमम सॉइल वाटर रेजिम एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए यहां पर होना चाहिए, ठीक है, जिसका ऑप्शन सी था पिछले क्वेश्चन में राइट आंसर है उनका। ओके, तो देखते हैं यहां पर कौन सा है हमारे पास ऑप्टिमम सॉइल वाटर रेजिम किस क्रॉप के लिए कितना परसेंट जो है यहां पर रहता है और कितना परसेंट जो है होना चाहिए। ए लिस्ट में आपके पास क्रॉप्स दी गई हैं, लिस्ट बी में जो है यहां पर आपके पास दिखाया गया है, यहां पर क्या है दिया गया है ये सॉइल वाटर रेजिम के बारे में यहां पर बताया गया है। तो कमेंट कीजिए जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ए है बी है सी है या डी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर जो है इसका क्या होने वाला है। तो देखिए चलिए देखते हैं यहां पर जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यानी कि जो मेज है मेज में कितना है यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला सॉरी मान कौन सा है राइस हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, राइस का कितना दिया गया है, राइस का ए का 4 है हमारे पास, ठीक है, कितना मतलब यहां पर 4 सेंटीमीटर तक का वहां पर वाटर रेजिम प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है, सबमर्जेंस की बात करें तो 3 सेंटीमीटर तक और 4 सेंटीमीटर तक की सबमर्जेंस जो है वहां पर पाई जाती है, इतना जो है वाटर रेजिम अवेलेबल रहना चाहिए राइस के लिए, क्योंकि आप जानते हैं राइस कैसी है सबमर्ज कंडीशन में जो है राइस ग्रो होता है उसके लिए जो है स्टैंडिंग वाटर या जो फ्लडेड कंडीशन वो वहां पर चाहिए होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कौन सी क्रॉप है हमारे पास, यहां पर मेज है, तो मेज का कौन सा है यहां पर थर्ड यानी कि 20% से लेकर के 100% तक वेरी कर सकता है, ठीक है, 20 से 100% तक जो है मॉइस्चर रेजिम जो है सॉइल मॉइस्चर रेजिम वेरी कर सकता है। कॉटन का यहां पर देखें तो कॉटन का जो है कितना 50 to 100 जो है सॉइल मॉइस्चर रेजिम वेरी कर सकता है। वहीं पर देखें शुगर केन क्रॉप का, तो शुगर केन क्रॉप का कौन सा है हमारे पास 25 से 100, ठीक है, ये भी कितना 25% से 100% तक जो है मॉइस्चर रेजिम जो है इसका वेरी कर सकता है। ओके,
तो ये थोड़े जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको थोड़े ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट ये थोड़े डीप क्वेश्चंस यहाँ पर है, तो क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपने हर एक क्वेश्चन को जो है सही से तैयार करना है, ओके? क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमसे पूछे जाएंगे, तो मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन पर जो है आपने सही से ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास IW यानी कि इरिगेशन वाटर एंड CPE, ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पर एक तरह के पैरामीटर्स ये होते हैं जिससे हम क्या करते हैं मेजर किया जाता है एक तरह से, ठीक है, इरिगेशन वाटर हमें कितना देना है, तो उस तरह से इरिगेशन को शेड्यूल एक तरह से किया जाता है। तो IW CPE रेशियो फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर गिवन बिलो, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखना है हमने कि कितना यहाँ पर इरिगेशन वाटर किस बेसिस पर यहाँ पर हम देंगे, कितना जो है दिया जाता है, और CPE के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कौन सा है हमारे पास यहाँ पर CPE दिया गया है जिसे कि क्यूमुलेटिव पेन इवेपोरेशन कहा जाता है, ओके, मतलब कि क्यूमुलेटिव पेन इवेपोरेशन के बेसिस पर हमने क्या करना है इरिगेशन वाटर को शेड्यूल करना है। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है जल्दी से कमेंट करके बताइए। जैसे यहाँ पर क्रॉप है आपके पास व्हीट है, शुगर केन है, ग्राउंडनट है और पोटैटो है, इनके लिए कितना यहाँ पर हमारे पास क्यूमुलेटिव पेन इवेपोरेशन रेट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे इरिगेशन को शेड्यूल करेंगे। अब सिंपली आपको इसका एक चीज बता देता हूं कि यहां पर क्या होता है हमारे पास, जितना वहां पर इवेपोरेशन पेन आपने देखा होगा उसमें सेंटीमीटर में जो है वाटर की कैलकुलेशन की जाती है, मतलब जितना वहां से वाटर जैसे इवेपोरेशन पेन है जैसे उसको फील्ड में रखा जाएगा तो जितनी वहां से इवेपोरेशन हो रही है वाटर की, ठीक है, मान लीजिए वहां से कितना है 5 सेंटीमीटर वाटर वहां से इवेपोरेट हो गया है, ओके, कितना मान लीजिए 5 सेंटीमीटर जो वाटर है वहां से इवेपोरेट हो चुका है, तो हमें कितनी इरिगेशन देनी पड़ेगी वहां पर 5 सेंटीमीटर इरिगेशन ही वहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी, ओके, तो इस तरह से क्या किया जाता है वहां पर अलग अलग तरह से इवेपोरेशन के बेसिस पे इवेपोरेशन जो यहां पर पैन होता है उसके बेसिस पे कितना वहां पर अमाउंट पानी का कम हुआ तो उतना ही हम वहां पर क्या कर देते हैं पानी को इरिगेट कर देते हैं, यानी उतना ही पानी हम फसल में देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है एक तरह से IW CPE रेशियो उसे कहा जाता है, ओके। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसका क्या होगा, देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जिनका है, ठीक है, ओम प्रकाश तपस्वी जी कह रहे हैं ऑप्शन बी, जी हाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, ओके। संदीप कुमार जी, निकिता माल जी भी कह रही हैं ऑप्शन बी, ठीक है, तो जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आपका, यानी कि यहां पर क्या होगा जो व्हीट का कितना है हमारे पास यहां पर 0.7521 रहता है रेशो, ठीक है, वहीं पर बात करें शुगर केन की तो 0.6 है यहां पर हमारे शुगर केन का जो है कितना है हमारे पास यहां पर 1 है, ओके, कितना है 1 है। फिर हमारे पास क्रॉप आती है कौन सी, ग्राउंडनट है और पोटैटो है, ओके, तो जो है कौन सा है हमारे पास यहाँ पर 0.6 इसका है और इसी के साथ जो है नेक्स्ट हमारे पास है 4 यानी कि पोटैटो का कितना है 1.2 और 1.25, इस तरह से हमारे पास क्या रहते हैं यहाँ पर रेशो रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन सा है, फिजियोलॉजिकल वाटर यूज एफिशिएंसी रेफर्स टू, ठीक है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, क्या होती है फिजियोलॉजिकल वाटर यूज एफिशिएंसी, देखिए यहां पर हमारे पास पूछा गया कि इकोनॉमिक यील्ड अपॉन इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस उससे कैलकुलेट किया जाता है फिजियोलॉजिकल वाटर यूज एफिशिएंसी को, या ड्राई मैटर अपॉन ट्रांसपिरेशन लॉस है, इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन टोटल अवेलेबल वाटर है, या CUW अपॉन वाटर स्टोर्ड इन सॉइल है। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिजियोलॉजिकल वाटर यूज एफिशिएंसी है किस तरह से उसे हम कैलकुलेट करेंगे, ओके, जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो साथ ही साथ उसका नंबर भी मेंशन कर दिया कीजिए, ओके। रितु चौधरी जी कह रही है ऑप्शन सी है, कुमारी साक्षी जी कह रही है ऑप्शन बी, तो जो ऑप्शन बी है राइट आंसर है आपका, ओके, कौन सा है ऑप्शन बी, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल वाटर यूज एफिशिएंसी होती है उसे कैसे निकाला जाता है, ड्राई मैटर अपॉन ट्रांसपिरेशन लॉस से हम क्या कैलकुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल वाटर यूज एफिशिएंसी जो है इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ओके, तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्रेनेज कोफिशिएंट रेफर्स टू, देखिए इरिगेशन से रिलेटेड हमारे पास यहां पर ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू, क्या पूछा गया ड्रेनेज कोफिशिएंट किसे कहा जाता है, तो देखिए राइट आंसर की बात करते हैं यहां पर, जो
जो राइट आंसर है हमारा ड्रेनेज कॉफिशियंट किसे कहा जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड ऑफ फ्रॉम अ गिवन एरिया इन 24 आवर्स। यानी कि हमने किसी भी ड्रेनेज सिस्टम का अगर इस्तेमाल करके हम वहां से क्या करते हैं, वाटर को ड्रेन करते हैं, तो कितनी जो वाटर की डेप्थ है 24 घंटे में, कितने डेप्थ ऑफ वाटर वहां से रिलीज होता है, वहां से ड्रेन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ड्रेनेज कॉफिशियंट कहा जाता है। ठीक है, निकिता जी का राइट आंसर है 23, ओम प्रकाश तपस्वी जी का भी राइट आंसर है 23 का ए जो है, ओके ए जो है राहुल राज जी कह रहे हैं ऑप्शन ए, हाँ जी राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ओके मतलब कि डेप्थ ऑफ वाटर रिलीज्ड और ड्रेन्ड फ्रॉम अ फील्ड, ठीक है, और अ गिवन एरिया इन 24 आवर क्या कहलाता है, वो ड्रेनेज कॉफिशियंट कहलाता है, यानी 24 घंटे में कितना पानी जो है ड्रेन किया गया किसी पर्टिकुलर फील्ड से। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा है, विच ऑफ द टाइप्स ऑफ स्पर इंड्यूसेस द सिल्टेशन एट बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड। देखिए स्पर्स एक तरह से लगाए जाते हैं, मतलब एक तरह से रोक जिन्हें कहा जाता है कि कहीं भी डाउनस्ट्रीम एरिया हो, मतलब कि वाटर फ्लोइंग जहां पर एरियाज होते हैं, तो वहां पर पानी को रोकने के लिए, ठीक है, उसके बहाव को कम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, स्पर्स उन्हें कहा जाता है, ओके क्या कहा जाता है उन्हें, स्पर्स कहा जाता है। तो यहां पर हमसे पूछा गया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड्स के लिए कौन से स्पर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुकेश कुमार जी का 23 का ए, जी हाँ राइट आंसर था आपका जी, ठीक है जल्दी से इसका आंसर दीजिए जल्दी से, कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, देखिए दोनों हमारे पास पूछे गए हैं, एक नहीं है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों तरह के स्पर्स के बारे में यहां से पूछा गया हमसे, तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। निकिता जी कह रही है 24 का सी, जी हाँ राइट आंसर है आपका, जिसका भी सी ऑप्शन यहां पर है, ठीक है, कुमारी साक्षी जी का ऑप्शन सी है राइट आंसर है, यानी कि कौन सा है हमारा, बोथ ए एंड बी, ओके जो रिपेलिंग टाइप है, रिपेलिंग टाइप किस तरह वर्क करता है, अपस्ट्रीम फ्लो में वर्क करता है, वहीं पर जो बात करें हम किसकी, जो अट्रैक्टिंग टाइप है, ठीक है, तो जो अट्रैक्टिंग टाइप है ये किस में काम करते हैं, डाउनस्ट्रीम में काम करते हैं। जो मोस्टली बात करें जो रिपेलिंग टाइप है इसका जो है कितना रहता है 60 to 80 डिग्री, ओके इसकी जो इंक्लाइनेशन की बात करें कितनी ढलान इसमें पाई जाती है, तो 60 से 80 डिग्री तक की इसमें इंक्लाइनेशन यानी ढलान पाई जाती है, ठीक है। वही बात करते हैं हम दूसरा जो अट्रैक्टिंग टाइप है जो डाउनस्ट्रीम में वर्क करेगा, डाउनस्ट्रीम में वर्क कर रहा है तो मतलब इसकी जो ढलान है कैसी होगी, इनसे कम होगी, यानी एंकल कितना रहता है वहां पर है 40 से 60 डिग्री, ओके याद रखना है आपने, जो डाउनस्ट्रीम है वहां पर 40 से 60 डिग्री का एंगल रहता है और दूसरा जो अपस्ट्रीम है 60 से 80 डिग्री तक एंगल जो है इंक्लाइनेशन एंगल जो है वहां पर है, रहता है उन स्पर्स में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंच टेरेसिंग इज सूटेबल अप टू द लैंड स्लोप ऑफ, देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बेंच टेरेसिंग की जाती है कितने स्लोप अगर प्रेजेंट हो एरिया में वहां पर हम बेंच टेरेसिंग कर सकते हैं, वहां पर बेंच टेरेसिंग की जाती है, कितने परसेंट स्लोप पे जो है बेंच टेरेसिंग की जाती है, जी अमर जी का भी राइट आंसर था ऑप्शन सी, ओम प्रकाश तपस्वी जी का भी राइट आंसर है, मुकेश कुमार जी का भी राइट आंसर था, ठीक है 24 का सी, बताइए 25 का क्या आंसर होगा यहां पर हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कौन सा है बेंच टेरेसिंग इज सूटेबल, बेंच टेरेसिंग किस एरिया के लिए, किस इंक्लाइनेशन एरिया के लिए सूटेबल रहती है, ठीक है कितनी लैंड स्लोप के लिए जो है सूटेबल रहती है। ओम प्रकाश तपस्वी जी कह रहे हैं ऑप्शन डी, देश दीपक जी कह रहे हैं ऑप्शन डी, जी हाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऋतु चौधरी जी ऑप्शन सी कह रही है, देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ओके निकिता जी भी कह रही है ऑप्शन डी, जी हाँ ऑप्शन डी, यानी कि 33% स्लोप, ठीक है कितनी है, अगर जो स्लोप है कितने तक हो 33% से ज्यादा अगर स्लोप है, ठीक है कितना है यहाँ पर ग्रेटर देन 33%, तो अगर इससे ज्यादा स्लोप रहती है तो वहां पर क्या की जाती है बेंच टेरेसिंग अप्लाई वहां पर किया जाता है, ठीक है क्या की जाती है बेंच टेरेसिंग की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाटरशेड का ये क्वेश्चन है, वाटरशेड आप जानते होंगे एक तरह से जो भी रेन वाटर हो गया या कोई भी ड्रेनेज का वाटर है या कोई वेस्ट वाटर है, जब उसको एक जगह पर क्या किया जाता है एकत्रित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है वाटरशेड कहा जाता है, ओके कि मतलब अलग अलग एरिया से एक लार्ज एरिया से जो है एक ही जगह पे जो है वेस्ट वाटर को इकट्ठा किया जाएगा तो उसे वाटरशेड उसे कहा जाता है, ओके क्या कहा जाएगा उसे वाटरशेड कहा जाएगा। तो उसी वाटरशेड में से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि जैसे वाटरशेड आप जानते होंगे अलग अलग वहां पर क्या है टर्म्स यूज होती है, जैसे वाटरशेड हो गया वहीं पर सब वाटरशेड होता है, कैचमेंट एरिया होता है, सब कैचमेंट एरिया होता है,
तो अलग अलग वहां पर आपके जो है यूज किए जाते हैं, डिनोट्स वहां पर वर्ड किए जाते हैं। तो उनमें से जो कोड है एक तरह के कोड में उनको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास है BC3B, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूज ना रहना इसमें, BC3B, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास डिनोट किया गया है, एक नंबर दिया गया है। तो इसमें हमसे पूछा गया जो बी यहाँ पर है लास्ट में, ठीक है, छोटा बी यहाँ पर दिया गया है, स्मॉल बी दिया गया है, तो ये स्मॉल बी यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है ये हमें बताना है यहाँ पर, ओके। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया आपको कि ये क्या डिनोट करता है, थर्ड वाटर शेड ऑफ BC सब कैचमेंट इसे डिनोट करता है, या सब वाटर शेड ऑफ BC 3 वाटर शेड, या नेम ऑफ कैचमेंट डिनोट करता है, या नेम ऑफ सब कैचमेंट ये डिनोट करता है। राइट आंसर इसका क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहां पर जो स्मॉल बी है वाटर शेड में क्या डिनोट करता है, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। यहां पर जो स्मॉल कैपिटल लेटर यहां पर क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को डिनोट करते हैं। बात करें तो स्मॉल लेटर की, तो जो स्मॉल लेटर यहां पर दिया गया है ये सब वाटर शेड को डिनोट करता है, ओके। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये किसे डिनोट करता है, सब वाटर शेड को डिनोट करता है, ओके। सब वाटर शेड को जो है ये डिनोट करता है, तो जो ऑप्शन यहां पर बी हमारे पास है, ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जो यहाँ पर अलग अलग नंबर्स होते हैं नंबर से भी डिनोट किया जाता है, कैचमेंट को जो है नंबर से डिनोट करते हैं, वहीं पर वाटर शेड को देखें तो उसे किससे डिनोट किया जाता है, अगर उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो इसी तरह अलग अलग वहां पर डिनोट, तो सब वाटर शेड जो बी है ये सब वाटर शेड को डिनोट करता है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वाटर शेड डेवलपमेंट टीम इज कंस्टिट्यूटेड बाय, कौन सा है यहाँ पर हमारे पास कि वाटर शेड डेवलपमेंट जो टीम है किसके द्वारा वो एक तरह से बनाई जाती है, किसके द्वारा वो कंस्टिट्यूट की जाती है, ओके। जैसे हम जानते हैं अलग अलग तरह की स्टेट वाटर शेड डेवलपमेंट टीम भी होती है, ठीक है, वो भी बनाई जाती है, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाई जाती है, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे भी बनाई जा सकती है, तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर बनाई जाती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट वाटर शेड कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसी बनाती है, या प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनाती है, या वाटर शेड एसोसिएशन बनाती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कौन सा होगा हमारा राइट आंसर, कौन सा होगा हमारे पास यहां पर, डिस्ट्रिक्ट वाटर शेड कमेटी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, 27 का कौन सा है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि मोस्टली जो है स्टेट वाटर शेड जो कमेटी है वो बनाती है, बट यहां पर हमारे पास उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करने वाली कमेटी कौन सी होगी, डिस्ट्रिक्ट वाटर शेड कमेटी। तो वही क्या करती है, टीम एक तरह से बनाती है जो वाटर शेड डेवलपमेंट में क्या करते हैं, वर्क वहां पर करते हैं उसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक वीड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, कौन सा यहाँ पर पैरासाइटिक वीड है। जी हाँ, मुकेश कुमार जी का राइट आंसर था 27A, ठीक है, राइट आंसर था आपका कौन सा, 27 का ए आपका राइट आंसर था, यानी कि कौन सी, डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी होती है वाटरशेड कमेटी वही बनाती है उस टीम को। जल्दी से इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा है, देखिए 28 क्वेश्चन है, कौन सा है, पैरासाइटिक वीड इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक वीड, परजीवी वीड, परजीवी खरपतवार इनमें से कौन से हैं। तो चलिए राइट आंसर की बात करें, यहां पर देखें तो जो ओरोबैंकी है, ठीक है, ओरोबैंकी भी एक तरह का क्या है, पैरासाइटिक वीड है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास चार मेन पैरासाइटिक वीड पाए जाते हैं, कसकटा, लोरेंथस, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा, ठीक है, चार पाए जाते हैं, जिसमें कसकटा क्या रहता है, यहां पर कसकटा भी दिया गया है तो यह भी पैरासाइटिक वीड है, स्ट्राइगा दिया गया है यह भी पैरासाइटिक वीड है, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, रितु चौधरी जी का राइट आंसर है, वहीं पर मोदी जी इनका भी राइट आंसर है, जी हाँ मुकेश कुमार जी का भी राइट आंसर है, ओके, डी ऑप्शन, यानी कुमारी साक्षी जी भी सही कह रही है, निकिता जी का भी राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो कसकटा है हमारे पास ये कैसा होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट इसे कहा जाता है, वहीं पर लोरेंथस की बात करें तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट ये होता है, ओरोबैंकी की बात करें तो टोटल रूट पैरासाइट ये होता है, और स्ट्राइगा किस तरह का होता है हमारे पास, पार्शियल रूट पैरासाइट जो है ये रहता है, तो इस तरह से जो है राइट आंसर इसका है, ओम प्रकाश तपस्वी जी का भी राइट आंसर है, ओके, ऑप्शन 4, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं,
पैरासाइटिक वीड हैं, और पैरासाइटिक वीड भी कौन से, फनेरोगैमिक वीड इन्हें कहा जाता है, यानी कि ये ऐसे वीड्स हैं अपने ही सीड से ये ग्रो होते हैं पर फीड ये दूसरे पर करते हैं। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लिक्विड फॉर्मुलेशन ऑफ द पेस्टिसाइड। देखिए अगर आप प्रैक्टिकली जो है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की आपको अगर प्रैक्टिकली जानकारी है, अगर आपने घरों में या किसानों में देखा होगा कि किस तरह के पेस्टिसाइड वो यूज करते हैं, तो आपने जो है अक्सर ही उसका जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग सॉल्ट जो है वहां पर पाए जाते हैं, तो उन सॉल्ट में आपने अक्सर ही देखा होगा वहां पर, ठीक है, तो अक्सर ही आपने क्या देखा होगा वहां पर, उसमें अक्सर ही आपने देखा होगा कि उसमें फॉर्मुलेशन लिखी होती है कि वो लिक्विड फॉर्मुलेशन का है या साथ ही साथ वो किसी सॉलिड फॉर्मुलेशन का है, डस्ट फॉर्मुलेशन का है या ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन का, तो उसके बेसिस पर अलग अलग आपको वहां पर लिखे हुए मिल जाएंगे, वहां पर कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे वाटर सोल्यूबल कंसेंट्रेट WSC, जी हाँ ये भी लिखा होता है वहां पर, पाउडर हो, ठीक है, वाटर सोल्यूबल कंसेंट्रेट, ठीक है, ये भी लिखा होता है वहीं पर, सोल्यूबल पाउडर यानी SP ये भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली जानते होंगे इन चीजों को तो यह वहां पर लिखा हुआ मिलता है। वहीं पर हमारे पास एमल्सीफाइबल कंसेंट्रेट यानी EC के नाम से भी आपको लिक्विड जो इंसेक्टिसाइड है वो मिल जाते हैं, तो जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, एक्वेस सस्पेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सारी की सारी फॉर्मुलेशन हमने देखी है, प्रैक्टिकली हम इन्हें जानते हैं, हम यूज करते हैं, तो कौन सा रहेगा यहाँ पर, एक्वेस सस्पेंशन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह की AS नाम की कोई भी आपको फॉर्मुलेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, एक्वेस सस्पेंशन नहीं होता है मोस्टली जो है, अगर एक्वेस जो है लिक्विड फॉर्म में आती है यानी कि L उसमें लिखा जाता है, ठीक है, लिक्विड सस्पेंशन के रूप में आती है, जिस तरह से नैनो यूरिया आप जानते होंगे, तो जो नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया किस फॉर्म में आता है, लिक्विड, तो आपने देखा होगा नैनो यूरिया L जो है उसमें लिखा हुआ होता है, तो वो क्या है, फॉर्मुलेशन को डिनोट करता है। ओके एक्वेस सस्पेंशन है जो है नहीं रहती है। ओके जी हाँ, जो ऑप्शन C जिनका आंसर है कुमारी साक्षी जी और मोदी जी, ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वीडिसाइड कैन बी यूज्ड फॉर इफेक्टिव वीड कंट्रोल इन मेज क्रॉप। देखिए मेज क्रॉप में कौन इफेक्टिवली वीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल जो है इंसेक्टिसाइड सॉरी हर्बिसाइड जो है किया जा सकता है, वीडिसाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल सा ये आंसर है। जी हाँ दिविशा जी कह रही हैं ऑप्शन D, जी हाँ राइट आंसर है आपका कौन सा, इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन D यानी ऑल ऑफ दीज, यानी कि एट्राजिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं पर टेम्बोट्रायोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ट्रोपिमामिजोन का भी इस्तेमाल जो है एज अ वीडिसाइड यहां पर किया जा सकता है। ओके तो ऑप्शन D हमारे पास इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल होस्ट प्लांट फॉर टेसर सिल्क वॉर्म। देखिए यहाँ पर सिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि जो टेसर सिल्क वॉर्म है, आपने अलग अलग सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, टेसर सिल्क वॉर्म होते हैं, एरी सिल्क वॉर्म होते हैं, वहीं पर मूगा सिल्क वॉर्म होते हैं, और हमारे पास कौन से रहते हैं सबसे ज्यादा जो इंडिया में ग्रो होता है, कौन सा सिल्क होता है वो मलबरी सिल्क जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो मलबरी सिल्क वॉर्म होते हैं। इस तरह से हमारे पास जो अलग अलग सिल्क वॉर्म की कैटेगरी है, ये फीड भी जो है भोजन भी जो है अलग अलग प्लांट्स पर करती हैं, ओके इनका जो फूड है अलग अलग प्लांट्स ही अपना फूड लेती है, तो यहां पर हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, जो टेसर सिल्क वॉर्म है वो किन प्लांट पर फीड करता है, टर्मिनेलिया अर्जुना है, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है, सोया रोबस्टा है, या इनमें से सभी, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। जी हाँ ऑप्शन D जिनका है, ठीक है, ऑप्शन D जिनका आंसर है वो राइट आंसर है, ठीक है, कुमारी साक्षी जी का, निकिता जी का, रितु चौधरी और ओम प्रकाश तपस्वी जी का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन D, यानी कि ये सभी पर क्या करते हैं, जो टेसर सिल्क वॉर्म है हर एक प्लांट पे एज अ होस्ट प्लांट वहां पर क्या है, ये इन सबको एज अ होस्ट प्लांट जो है ये टेसर सिल्क वॉर्म को कैरी करते हैं। ओके यानी कि दोनों पर तीनों पर क्या करते हैं, टेसर सिल्क वॉर्म फीड करते हैं, ज्यादातर जो है देखा जाता है किस पे, टर्मिनेलिया अर्जुना और टर्मिनेलिया टोमेंटोसा पे, ठीक है, और उससे कम जो है किस पे, सोरिया रोबस्टा पर देखा जाता है, बट वहां से भी क्या करता है, फीड करता है। इसके अलावा बात करें हमारे पास जो दूसरे सिल्क वॉर्म है यानी जो एरी सिल्क वॉर्म है, तो याद रखना है आपने जो एरी सिल्क वॉर्म है किस पर फीड करता है, कैस्टर पर फीड करता है। ओके कैस्टर की लीफ पर जो है एरी सिल्क वॉर्म फीड करता है। वहीं पर बात करें जो दूसरा हमारे पास जो मलबरी सिल्क वॉर्म है, सिंपली आप जानते हैं मलबरी भी वो फीड करता है, ठीक है, मोरस अल्बा यानी शहतूत के पत्तों पर वो फीड करता है।
अगला हमारे पास कौन सा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन ग्लॉस वाला एक सिल्क आता है, जो ज्यादातर कहां पर, असम में इसके ज्यादातर प्रोडक्शन की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मूगा सिल्क कहा जाता है। ओके क्या कहा जाता है उसे, मूगा सिल्क कहा जाता है। असम में जो है सबसे ज्यादा इसे प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें नेचुरली जो है किसकी तरह रहता है, ये गोल्डन कलर जो है इसमें नेचुरली पाया जाता है। ओके गोल्डन ग्लॉस जो है नेचुरली इस रेशे में पाया जाता है, इस सिल्क में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो हमारे पास कौन सा था, हमारे पास मूगा सिल्क वॉर्म की बात करें तो ये किस पर फीड करता है, सोम और सोआलू नाम के वहां पर असम में दो पेड़ होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, सोम होता है जिसे पर्सिया बॉम्बिसिना के नाम से जाना जाता है। ओके सोम को किस नाम से जाना जाता है, पर्सिया बॉम्बिसिना के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हमारे पास दूसरा होता है एक लिस्टसिया मोनोफ्लिडा। ठीक है, ये भी एक ट्री रहता है, सोआलू जिसे कहा जाता है। तो इन पर जो है कौन सा, मूगा सिल्क, सोम और सोआलू को आपने याद रखना, इन पर ये फीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल टिम्बर, ऑयल, ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल पर्पसेस। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, इनमें से कौन सा हमारे पास ऐसा पेड़ है जिसको जो है इंडस्ट्रियल टिम्बर के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, वहीं पर ऑयल के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, ऑर्नामेंटल क्रॉप भी इसको एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट भी इसे क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा हमारे पास यहां पर प्लांट है जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, मोरस अल्बा है यानी कि जो शहतूत है, या पॉपुलस डेल्टॉइड्स है, या सेंटेलम एल्बम है, या इसके बाद जो है प्रोसोपिस चाइलेंसिस है। तो कौन सा यहां पर हमारे पास पेड़ है जिसका जो इस्तेमाल टिम्बर के रूप में, ऑयल के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है हमारे पास देखें तो हम जो मोरस अल्बा है, ठीक है, मैक्सिमम जो है अब मोरस अल्बा को भी ऑर्नामेंटल प्लांट जो है ग्रो किया जाने लगा है, ज्यादातर शेड प्रोवाइड करने के लिए इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास सेंटेलम एल्बम है, ओके सेंटेलम एल्बम का जो ट्री है इसका भी जो है इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, इसको भी ग्रो किया जाता है। वहीं पर हमारे पास जो प्रोसोपिस चैलेंसिस है, ठीक है, ये भी एक तरह के फ्लावरिंग प्लांट है, अच्छे इसमें फ्लावर लगते हैं, तो इनका भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। बट बात करें अगर पॉपुलस डेल्टॉइड्स की, ठीक है, कौन सी स्पीसीज की बात करें, हम डेल्टॉइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम कई बार जो पॉपुलर की अलग स्पीसीज है कुछ, उनका भी इस्तेमाल जो है एक तरह से छाया देने के लिए किया जाता है, मतलब कि शेड के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। बट पॉपुलस जो डेल्टॉइड्स है इसका सबसे ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल टिम्बर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन बी जो है, ठीक है, निकिता जी का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमारी साक्षी जी भी कह रही हैं ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो पॉपुलर का पेड़ होता है, पॉपुलस डेल्टॉइड्स नाम की जो इसकी प्रजाति है जो, ठीक है, तो उसका क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, पॉपुलस डेल्टॉइड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following tree is known as tree of heaven? अब देखिए forestry से related यहाँ पर आपके पास question आ रहे हैं, तो maximum हर एक जो subject है यहाँ पर most important question उसके हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका answer दे दीजिए आप, which one of the following is known as a tree of heaven? इसका तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही simple सा question है, tree of heaven के नाम से, ठीक है, यानी कि स्वर्ग के पेड़ के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, बेम्बू को, नीम को, एलियंथस को, या टीक को, किस पेड़ को जो है यहां पर ट्री ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर टर्म जी का आंसर है डी, ऑप्शन डी। देखिए जो ऑप्शन डी को नहीं कहा जाता, जो राइट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर है, यानी कि एलियंथस एक्सेलस उसे कहा जाता है। ठीक है, एलियंथस एक्सेलसा नाम का जो हमारे पास क्या रहता है, ऑप्शन सी जिनका है। ओके साक्षी कुमारी जी, मुकेश कुमार जी का राइट आंसर है, निकिता जी का राइट आंसर है। ठीक है, जो ऑप्शन सी है एलियंथस, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ग का पेड़ इसे कहा जाता है। देखा जाए तो इसकी जो एक तरह से ये फ्रेग्रेंट ट्री नहीं होता, ठीक है, ये किस तरह का रहता है, थोड़ी बदबू जो है इस ट्री में से आती है, इसकी पत्तियां थोड़ी बदबूदार इसकी पत्तियां रहती हैं, और ज्यादातर जो है इस पेड़ का इस्तेमाल कई बार एज अ विंड शील्ड किया जाता है, मतलब कि खेतों में हम
जो एक तरह से विंड ब्रेक्स बनाई जाती है, तो खेतों के कॉर्नर में किनारों में अगर ये लगा होगा तो हवा को आने से जो है काफी हद तक ये रोकता है। और ट्री ऑफ हेवन इसे कहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एपिकल डोमिनेंस जो है बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। ये जो है लॉन्ग ज्यादा ग्रो होता है, मतलब कि ऊपर की ओर ये ज्यादा ग्रो होता है, वहीं पर ब्रांचिंग भी इसमें होती है, बट ब्रांचिंग जो है इसमें कम रहती है, एपिकल डोमिनेंस इसमें ज्यादा पाई जाती है, यानी अपेक्स ज्यादा ग्रो करता है। और अगर नीचे से इसके पास से खड़े होकर देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि आसमान में जो है ये पेड़ चला गया हो। ओके, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्री ऑफ हेवन का नाम जो है इसे दिया गया है। ओके, आरती कुमारी जी का भी राइट आंसर है हमारे पास, एलियंथस एग्जेल्सा इसे कहा जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर हमारे पास दिए गए स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ स्कीम, मेरा गांव मेरा गौरव, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इस स्कीम के अगेंस्ट क्या है, यहां पर अगेंस्ट है यानी कि ट्रू नहीं है। मेरा गांव मेरा गौरव नाम की स्कीम आई थी, ठीक है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि 2017 में, 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। दूसरा आपके पास दिया गया है कि इस स्कीम में क्या है, स्कीम इन्वेस्टिगेटेड साइंटिस्ट टू सेलेक्ट विलेजेस एंड प्रोवाइड एग्री इंफॉर्मेशन टू फार्मर, कि मतलब जो इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो किसान है उनको मिलाया जाता है डायरेक्ट साइंटिस्ट के साथ, उनके कॉन्टेक्ट कराए जाते हैं, साइंटिस्ट उन्हें डेमोस्ट्रेट करते हैं, तो ये क्या है इसमें राइट है, ठीक है। यानी कि साइंटिस्ट उन्हें डेमोस्ट्रेशन तो देते हैं, एक तरह से लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है वर्क करता है, तो साइंटिस्ट होते हैं जो एक्सपीरियंस जो रिसर्चर्स होते हैं वो फार्मर के साथ वहां पर कॉन्टेक्ट बनाते हैं, ये भी राइट है। नेक्स्ट देखें, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट डायरेक्ट इंटरफेस बिटवीन साइंटिस्ट एंड फार्मर, ठीक है। ये जो ये भी आपके पास राइट है, साइंटिस्ट में फंक्शन विद द हेल्प ऑफ केवीके एंड आत्मा, तो ये भी क्या है यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पर राइट है रिलेटेड टू मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम। बट जो लॉन्च की बात करें तो जो इसका लॉन्च कब हुआ था, आप आंसर करके बताइए जल्दी से, जो है इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था। 2017 यहां पर हमारे पास दिया गया है, बट 2017 नहीं है ये इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर है ये ऑप्शन ए, तो आप बताइए कमेंट करके जल्दी से कि कब इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। मेरा गांव मेरा गौरव इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी हाँ, मुकेश कुमार जी का राइट आंसर है कि 34 का ए है। जी हाँ, 34 का ए है, 2017 में लॉन्च नहीं किया गया था, तो कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका, 2015 में, ठीक है। कब किया गया था इसे, 2015 में जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, मेरा गांव मेरा गौरव जो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट सिचुएटेड, यानी कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट है उसका इंस्टीट्यूट कहां पर सिचुएटेड है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट कहां पर सिचुएटेड है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट का, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है आपके पास है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जो राइट आंसर इसका कौन सा है, हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। मनीषा कुमारी जी का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो है वो सिचुएटेड है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड, यहां पर हमने हमारे पास क्या दिए गए हैं, एक तरह से प्रोजेक्ट जैसे यहां पर पेयर बनाया गया है, एक नीलोखेरी प्रोजेक्ट जो है अल्बर्ट मेयर ने चलाया था यह दिया गया है, शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर इन कोलैबोरेशन विद न्योलार्ड, यानी शांति निकेतन और श्री निकेतन नाम के वहां पर भी एक तरह से प्रोजेक्ट चलाए गए थे। एटवा प्रोजेक्ट है, ठीक है, स्पेनियर हैच ने चलाया था, या गुड़गांव प्रोजेक्ट है स्पेनियर हैच कोलैबोरेशन विद महात्मा गांधी। तो देखिए राइट आंसर की बात करेंगे इसके, तो जो राइट आंसर है इसका, ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा इसका, हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी शांति निकेतन जो प्रोजेक्ट है वहां पर प्रोजेक्ट चलाए गए थे शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उस वहां पर जो डेवलपमेंटल काम किए गए किसके द्वारा किए गए, रविंद्रनाथ टैगोर इन कोलैबोरेशन विद लियोनार्ड के, तो जो ऑप्शन बी है हमारे पास इसका राइट आंसर है। ओके, जी हाँ, आरती कुमारी जी का राइट आंसर है 36 का ऑप्शन बी। जी हाँ आरती कुमारी जी, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन अ फार्मर रिसीव फ्रॉम साइबर एक्सटेंशन, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है फार्मर को किस तरह की एक्सटेंशन मिलती है वहां पर, ऑप्शन आपके पास है, मतलब किस तरह की जानकारी जो है फार्मर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजकल ले रहे हैं। देखिए फार्मर पूछा गया तो ध्यान से जो है आंसर देना इसका।
फार्मर से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वहां से मिलती है, क्राइम एक्सटेंशन हो गया, इंश्योरेंस एक्सटेंशन है, या ऑल ऑफ दीज, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन सही से देख लेना, फार्मर को किस एक्सटेंशन में हेल्प करता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक तरह से यहां पर दिया गया हमारे पास। ओके, बहुत ही सिंपल सा इसका भी आंसर होगा, ठीक है, सिंपल आंसर इसका होने वाला है ओम प्रकाश तपस्वी जी का भी, 36 का बी, जी हाँ राइट आंसर था आपका, ठीक है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी का वहां पर वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते थे। मनीषा कुमार जी कह रही है 37 का सी। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं ऑप्शन ए, जी हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, मोदी जी का भी आंसर आ रहा है कि ऑप्शन ए है, वहीं पर एग्रीकल्चर विद विशाल ऑप्शन ए, मुकेश कुमार जी का भी ऑप्शन ए है, एग्रीकल्चर टर्म जी का भी ऑप्शन ए है आपके, जी हाँ जिसका ऑप्शन ए यहाँ पर है, मुकेश जी का भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। यानी कि सिंपली बात देखें तो क्राइम से फार्मर को कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, कि साइबर से वो क्राइम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, या इंश्योरेंस जो हो सकता है, बट जो इंश्योरेंस आएगा एक तरह से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ही वो होगा, तो मे बी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस किसके अंदर है, इंश्योरेंस जो है जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर ही एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में भी जो है वो जान पाएंगे, ठीक है। तो जो मेन आंसर क्या रहेगा इसका, मोस्ट जो इसका रिलेवेंट आंसर रहेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि अगर आप देखिए बीएओ और एसटीओ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम आपके पास समय बचा हुआ है, तो हमारे प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके पे आपको एक मोस्ट रिलेवेंट चीजों के साथ जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल इसमें है। ओके, तो इसके साथ एक कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें आप कम दिनों में अपनी तैयारी जो है बहुत ही सही से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाइलिंगुअल ये कोर्स है, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये अवेलेबल है। इस कोर्स को जो है आप परचेज कर सकते हैं मात्र 2299 रुपए में, ठीक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स के बाद जो है आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी जो है इसी कोर्स के अंडर दी जाएगी। ओके, तो इस कोर्स को परचेज करने का जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारी ऐप जो है एग्रीकल्चर एंड जीके आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां ऐप पर जाकर भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कम समय में जो है अच्छे से मोस्ट रेलिवेंट चीजों के साथ, मोस्ट रेलिवेंट जो क्वेश्चन है उनके साथ अपनी, मोस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर के साथ अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। ओके, जल्दी से क्वेश्चन बताइए, जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका, हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, ठीक है। एक्सटेंशन का फादर किसे माना जाता है, इंडियन एक्सटेंशन का फादर किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके पास है रॉबर्ट चैम्बर है, ए रेड्डी है, के एन सिंह है, या डी बेरलो, तो किसे जो है यहां पर, जी हाँ राइट आंसर है जिसका कौन है, मुकेश कुमार जी, ठीक है, के एन सिंह जो है राइट आंसर है। देखिए जो भी ये कोर्सेज हैं, तो कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल है, ठीक है, आप जो है हमारे ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके पर जाकर जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एजीटीए का कोर्स, देखिए जो एजीटीए का कोर्स है वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ठीक है। मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूं कि आप हमारी जो ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके, ठीक है, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर हमारे द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म द्वारा चलाए जा रहे हैं सारे के सारे कोर्सेज, और उनकी जो डेमो क्लासेस हैं, ओके, डेमो क्लासेस भी आपको वहीं पर ऐप में मिल जाएंगी, तो वहां पर जाकर आप कोर्स की डिटेल देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, और वहीं से जो आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो जो राइट आंसर है हमारे पास इसका, के एन सिंह जिनका आंसर है वो राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी के एन सिंह जो है राइट आंसर है, फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन जो है इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कंसिडर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है किस पॉइंट पर देखा जाता है, यहां पर अलग अलग मार्जिनल प्राइस इज इक्वल टू एवरेज प्राइस, यहां पर अलग अलग दिए गए हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, अलग अलग ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो है कौन सा है इसमें से, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 39 जो यहां पर क्वेश्चन है आपके पास, इसका राइट आंसर
क्या होने वाला है, यानी कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम जो है प्रॉफिट देखा जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पर यहां पर होता है। देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा, 39 का सी। जी हाँ मनीषा कुमारी जी का राइट आंसर है कौन सा है, सी, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, मार्जिनल प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज प्राइस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा राइट आंसर है। पूजा झा जी का भी यहाँ पर राइट आंसर है, कुमारी साक्षी जी का भी राइट आंसर है, देव जी का, मुकेश कुमार जी और नितिका जी का, सबका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। इस पॉइंट पर जब क्या रहता है, मार्जिनल प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज प्राइस, उस समय पर क्या रहता है, मैक्सिमम जो है प्रॉफिट देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी लेंडिंग टू फार्मर इन रूरल एरियाज। अब देखिए रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा, ठीक है, कहां से जो है फार्मर एक तरह से क्या कर सकते हैं, पैसे को बोरो कर सकते हैं, मतलब कि एक तरह से लोन वो ले सकते हैं, तो कौन से जो है एक तरह का वहां पर उनके लिए प्लेटफॉर्म रहता है रूरल एरियाज में। ठीक है, सोर्स ऑफ मनी कौन सा रहता है वहां पर, ऑप्शन आपके पास है रूरल बैंक्स हैं, लोकल मनी लेंडर्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक या कोऑपरेटिव एजेंसीज, यानी कि ग्रामीण बैंक करते हैं या जो लोकल जो वहां पर जमींदार होते हैं, ठीक है, या मनी लेंडर जिन्हें कहा जाता है वो हैं, या साथ ही साथ नेशनलाइज कोई बैंक है वहां से जो मिलता है पैसा, या कोऑपरेटिव एजेंसी से, कौन वहां पर मेन सोर्स रहता है। लोकल मनी लेंडर, जी पूजा झा जी का राइट आंसर है यहाँ पर, जो लोकल मनी लेंडर है, यानी ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर है। ओके, मुकेश कुमार जी का भी राइट आंसर है, कुमारी साक्षी जी भी सही आंसर है आपके, ठीक है, अंशुमन जी का भी राइट आंसर है कौन सा, ऑप्शन बी, यानी कि जो लोकल मनी लेंडर्स हैं उनके पास से जो है मेजर सोर्स रहता है, जो भी लोकल फार्मर रहते हैं, जो स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो उनके लिए जो मनी का सोर्स रहता है एक बैंक से ज्यादा वो नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि उनको बैंक में फिर वापस भी देना है, ठीक है, तो उस तरह से जो है वहां पर एक तरह से लोकल मनी लेंडर से वहां पर वो अपने हिसाब से जो है टाइम को डिसाइड कर सकते हैं, जिस तरह की मनमानी वो बैंक के साथ नहीं कर सकते, तो उस तरह से जो है वहां पर लोकल मनी लेंडर जो है मेन रहते हैं हमारे पास, कौन से हैं, लोकल मनी लेंडर जो है विलेज की पॉपुलेशन के लिए सबसे सही हमारे पास क्या रहते हैं, सोर्स रहता है उनके लिए मनी का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच कोऑपरेटिव इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि कौन सी है यहां पर कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में किस तरह के कोऑपरेशन कौन से एक तरह से चलाए जा रहे हैं, कोऑपरेशन कौन से हैं यहां पर। जी हाँ, ओम प्रकाश तपस्वी जी का भी राइट आंसर था, लोकल मनी लेंडर ऑप्शन बी। जी हाँ, पूजा झा जी कह रही हैं ट्राइफेड। जी हाँ, राइट आंसर है आपका कौन सा है यहाँ पर, ट्राइफेड जो है इसका राइट आंसर है, जिसका पूरा नाम क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करें इसके शुरुआत की, जी हाँ ऑप्शन ए, देव जी का भी राइट आंसर है, मुकेश कुमार जी, मोदी जी का भी राइट आंसर है हमारे, अंशुमन तिवारी जी का राइट आंसर है, मुकेश कुमार जी, निकिता जी, विवेक कुमार जी का जो है रॉन्ग आंसर यहाँ पर। ठीक है जी, अपेदा नहीं है यहाँ पर, कौन सा है हमारे पास, ट्राइफेड है। ओके, कौन सा है, ट्राइफेड है। जो ट्राइफेड है कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था, 1987 में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, कब किया गया था, 1987 में। ओके, 1987 में जो है ट्राइफेड को एस्टेब्लिश किया गया था। वहीं बात करें अपेडा की, तो अपेडा को कब किया गया था, अपेडा एक्ट आया था, एक कब आया था वो, इससे एक साल पहले। ठीक है, याद रखना ट्राइफेड से एक साल पहले क्या आया था, अपेडा एक्ट आया था 1986 में, तो 1986 में उसे एस्टेब्लिश किया गया अकॉर्डिंग टू अपेडा एक्ट। ठीक है, अपेडा अधिनियम के अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड को कब, 1982 में जो है नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो जो ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशली बनाई गई है, तो वो कौन सी है, कोऑपरेटिव, वो है ट्राइफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर। जी हाँ मुकेश कुमार जी, अपेडा जो है 1986 में होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप जल्दी से, जो कौन सा है, सी फैट के नाम से जिसे जाना जाता है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कहां पर लोकेटेड है, जल्दी से जो है इसका आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन सी, मोदी जी कह रहे हैं हमारे ऑप्शन सी है, पूजा झा जी कह रही है लुधियाना में है,
देव जी का भी ऑप्शन सी है। जी हाँ, राइट आंसर है ये। ठीक है, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं कि ये टिक है, तो बहुत सी जगह पर ये रॉन्ग भी टिक लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसके जगह इसको ही डिनोट करके जो है आप आंसर न दिया कीजिए। ठीक है, कई जगह पर ये रॉन्ग भी लगे हुए हैं। ठीक है, किसी का क्वेश्चन पेपर है ये, तो वहां से जो है लिया गया है। ओके, तो जो लुधियाना, ये राइट आंसर है इसका। सी फैट जो है कहां पर है? लुधियाना में है। लुधियाना में कौन सी यूनिवर्सिटी है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे पीएयू के नाम से जाना जाता है। ओके, पीएयू कैंपस में ही क्या है यहां पर? सी फैट है। ओके, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही सी फैट वहां पर एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, लुधियाना पंजाब में है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हु प्रपोज दी जर्म प्लाज्म थ्योरी? देखिए, जेनेटिक्स के क्वेश्चन अब आपके पास है। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, विजमैन ने, डार्विन ने, मेंडल ने, या ह्यूगो डेविज ने। जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। मोदी जी कह रहे हैं जिसके टिक हैं वो पक्का फेल होगा। क्या पता पास भी हो गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम कुछ है जो टिक भी उसने सही करके रखे हैं। बाकी तो मोदी जी तो हमसे ज्यादा ही जानते होंगे कि किसका कौन फेल हुआ होगा, कौन पास हुआ होगा। तो चलिए, कौन सा है हमारे पास यहां पर? देखिए, जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में आपसे पूछा गया है। ओके, कौन सा है? जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो जो विजमैन कह रहे हैं उनका राइट आंसर है, मनीषा कुमारी जी, मुकेश कुमार जी, देव जी का राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा है? पूजा झा जी का भी राइट आंसर है। विजमैन जो है राइट आंसर है। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? विजमैन ने जो है जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। ये हमारे पास जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है यहाँ पर, द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखिए, ये भी बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, एक ही साइंटिस्ट ने दोनों टर्म ये दी थी, तो कौन से साइंटिस्ट ने जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों टर्म्स को डिनोट किया था? ऑप्शन आपके पास है, जीजे मेंडल ने दिया था, डब्ल्यू बेटसन ने दिया था, डब्ल्यू एल जॉनसन ने, या आर सी प्यूनेट ने। कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये टर्म्स किसने दी थी? ऑप्शन सी कह रहे हैं। जिनका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, यानी कि कौन है? डब्ल्यू एल जॉनसन ने। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप जो टर्म है, डब्ल्यू एल जॉनसन ने दी है। मनीषा कुमारी जी का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, याद रखना है आपने कौन सा है? डब्ल्यू एल जॉनसन ने जो है क्या दिया है? जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड को जो है इन्होंने दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहां पर। मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, सेल बायोलॉजी का। ठीक है, साइटोलॉजी का एक क्वेश्चन है यहां पर। सेल डिवीजन के बारे में पूछा गया है यहां पर हमसे, पूछा गया है यहां पर। फेजेस दिए गए हैं लिस्ट ए में। ठीक है, माइटोटिक साइकिल के फेजेस दिए गए हैं। जी1 फेज है, एस फेज है, जी2 फेज है, और एम फेज है, यानी कि गैप फेज और सिंथेसिस फेज यहां पर दिया गया है। साथ ही यहां पर दिया गया है कि टाइम ड्यूरेशन कोई फेज कितनी लेता है, इनमें से जो फेजेस है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन लेते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका कौन सा होने वाला है। ये लीजिए ऑप्शन आपके पास सारे डिस्प्लेड हैं, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? मैक्सिमम और मिनिमम, इस तरह से आप देखते जाइए किस फेज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, किस फेज में कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45 क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन बी, निकिता जी कह रही हैं ऑप्शन बी है 45 का, कुमारी साक्षी जी भी बी कह रही हैं, तो जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ओके, कौन सा है हमारे पास है? राइट आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन बी। यानी कि ए का क्या है हमारे पास? सेकंड, यानी जी1 फेज में कितना लगता है? 30 से 50% तक जो समय है जी1 फेज में लगता है। वहीं पर बात करें हमारे पास एस फेज की, तो एस फेज में कितना? 30 to 40% टाइम लगता है। बात करें G2 फेज की, तो G2 फेज में कितना लगता है हमारे पास? 10 to 20%। और M फेज में सबसे कम 5 to 10% जो है टाइम पीरियड हमारे पास लगता है, इन फेजेस में जो है इतना टाइम लगता है। ओके, राइट आंसर है मुकेश कुमार जी का भी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन यहां पर। ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। अब तो मोदी जी कहेंगे कि इन्होंने सही टिक करके रखा है, शायद पास हो जाएंगे अब। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है।
क्रॉस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड इट्स पेरेंट्स इज नोन एज, यानी कि जब ऑफस्प्रिंग का क्रॉस किया जाता है पेरेंट के साथ। यहां पर आपसे पर्टिकुलर नहीं पूछा गया कि डोमिनेंट के साथ किया जाता है या रिसेसिव के साथ किया जाता है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि पेरेंट के साथ जब ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कराया जाता है तो उस क्रॉस को क्या कहा जाता है। देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारे पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। मनीषा कुमारी जी का राइट आंसर है कौन सा, बैक क्रॉस इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस कहा जाता है जब भी किसी ऑफस्प्रिंग का, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सबसिक्वेंट जो प्रोजेनी होती है ऑफस्प्रिंग होता है, जब उसको बैक कराया जाता है क्रॉस किसके साथ, उसके पेरेंट के साथ, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट हो या रिसेसिव पेरेंट हो। तो जिस किसी के साथ भी आइदर सिंगल पेरेंट के साथ उसका जब क्रॉस कराया जाएगा, बैक क्रॉस करा जाता है वो। वही हमारे पास अलग एक ऑप्शन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं, ओके, सिंगल कैरेक्टर को लेकर के जब क्रॉस कराया जाए उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, ओके, क्या कहा जाता है। डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी का भी राइट आंसर है हमारे, ठीक है। तो चलिए कौन सा है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब कि फर्स्ट जब हम सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वहीं पर जब हम दो गुणों को लेकर के, दो कैरेक्टर्स को, दो ट्रेट्स को लेकर के क्रॉस कराते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जब हम किसी भी पेरेंट के साथ ऑफस्प्रिंग को क्रॉस कराते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। वहीं पर हमारे पास है कौन सा, रेसिप्रोकल क्रॉस दिया गया है। अब रेसिप्रोकल क्रॉसेस किस तरह के होते हैं, जब एक जनरेशन में क्या लिया जाएगा, वहीं पर, ठीक है, एक ही जनरेशन में कुछ पौधों को जो है, एक प्रजाति के कुछ पौधों को, ठीक है, मान लीजिए कोई वैरायटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जब हम ए में कुछ को मेल के रूप में यूज करेंगे और उन्हीं में कुछ को हम फीमेल के रूप में यूज करेंगे, और जो पेरेंट बी है हमारे पास, वहां पर भी हम इसी तरह से, यानी उसके कुछ प्लांट को हम एज अ फीमेल इस्तेमाल करेंगे और कुछ प्लांट को हम एज अ मेल इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों में फीमेल भी होंगे और दोनों में मेल भी होंगे। तो उसी तरह से जब ये क्रॉस किए जाते हैं आपस में इस तरह के, तो उन्हें रेसिप्रोकल क्रॉसेस कहा जाता है, जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है वैरायटीज में कि वो दोनों एज अ, दोनों लिंगों के रूप में क्या करें, वहां पर अपने को प्रदर्शित करें, ठीक है, एज अ मेल भी और एज अ फीमेल भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारे पास जेनेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ट्राइसोमिक। देखिए ये कंडीशंस हमारे पास कुछ होती हैं, जीके जीएस को कैसे पढ़े। देखिए मैक्सिमम जो है आप भी जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहां पर आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, जीके जीएस को पढ़ने का क्या तरीका रहता है, एक जैसे यहां पर आपके पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास कौन सा है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ट्राइसोमिक। तो यहां पर आपको देख करके पता लगाना है कि किस तरह से, मतलब एक तरह से कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी कि किसे ट्राइसोमिक कंडीशन किसे कहा जाएगा। बट बात करें अगर जीएस जीके की, तो वहां पर आपको याद ही करना पड़ेगा, वो आखिरकार क्या है, किसी ट्रिक्स के इस्तेमाल से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक्स के इस्तेमाल से याद कर लीजिए, या एक तरह से जो रटना ही जिसे कहते हैं उसी तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहें कि किस जगह पर प्रोडक्शन किस चीज की कितनी हुई है, तो वो एक तरह का डेटा है, तो उसे हमें याद ही करना पड़ेगा। कब जो है किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो उसे भी हमें रट कर ही याद करना है, तो उस तरह से थोड़ी मेमोराइज करने की वहां पर ज्यादा हमें जरूरत रहती है, तो मेमोराइज करके ही हमें, और मेमोराइज हम किस तरह से ट्रिक्स की हेल्प से हमें ज्यादा सही से मेमोराइज करते हैं, जिस तरह से आपको सही से समझ आ रहा हो, जिस ट्रिक से आपको समझ में आ रहा हो, तो उसी से जो है आपको याद रखना है सही से, ओके। बाकी एक तरह से मेमोरी आपकी सही होगी, ठीक है, मेमोराइजिंग पावर सही है, याद रखने की क्षमता सही है, तो जो इजीली जो है आप उसे याद कर सकते हैं। देखिए तो यहां पर जो राइट आंसर लगा दिया इन्होंने पेपर जिसका भी है, उन्होंने राइट टिक करके रखा है, ओके, कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी 2N+1 ये क्या कहलाता है, ट्राइसोमिक कंडीशन ये कहलाती है। क्या कहलाती है ये, ट्राइसोमिक कंडीशन, यानी कि जब क्रोमोसोम कितने हो रहे हैं, ट्राई यानी कि तीन, पहले से सेट में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, पेयर में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट वहां पर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, कितने बन जाते हैं वो, तीन क्रोमोसोम बन जाते हैं, तो उसे ट्राइसोमिक कंडीशन कहा जाता है। वहीं पर ऑप्शन डी देखें तो चार क्रोमोसोम बन जा रहे हैं एक पेयर में, तो इसे क्या कहा जाएगा, यहां पर टेट्रासोमिक कंडीशन कहा जाएगा। पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा क्या सर प्लीज? देखिए जो पेपर है अब बाइलिंगुअल होता है ये, ठीक है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में जो है आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं, ओके, आप टेंशन मत लीजिए, हिंदी में भी होगा एक तरफ और एक तरफ इंग्लिश में भी आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इसी तरह से एक जगह हिंदी होगा, एक जगह इंग्लिश होगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगा ये, ठीक है। वहीं पर ये क्या है, टेट्रासोमिक कंडीशन, यानी दो क्रोमोसोम में दो और ऐड हो रहे हैं, कितने हो जा रहे हैं, चार, यानी कि टेट्रासोमिक किसे कहा जाएगा।
ये कंडीशन आपके पास क्या है, यहां पर क्रोमोसोम कम हो रहे हैं। कितना क्रोमोसोम कम हो रहा है? एक क्रोमोसोम कम हो रहा है। यहां पर भी क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? दो। दो ही क्रोमोसोम थे, दोनों ही चले गए, बचा कुछ भी नहीं यहां पर। तो इस तरह से क्या कहा जाता है इस कंडीशन को? नलीसोमी कहा जाता है, याद रखना है आपने, ठीक है? क्या कहा जाता है इसे? नलीसोमी जो है इस कंडीशन को कहा जाता है जहां पर 2n-2 हमारे पास यहां पर दिया गया है। यानी कि दो क्रोमोसोम थे, दोनों ही क्या हो गए? गायब हो गए। उस पेयर जो है दोनों के दोनों ने क्या कर दिया? पेयर को लॉस कर दिया, वहां पर नलीसोमी कहा जाता है। वहीं पर 2n-1 अगर पेयर में से एक क्रोमोसोम कम हो रहा है तो मोनोसोमी उस कंडीशन को कहेंगे। ओके, क्या कहा जाता है उसे? मोनोसोमी कहा जाता है। दोनों ही लॉस हो जाते हैं तो नलीसोमी कहा जाता है। यानी कि ऐड हो रहा है तो उसे ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक, पेंटासोमिक, जितने क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं उसके हिसाब से जो है इसे डिनोट किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया गया है हमारे पास? ये भी एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? इतना ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, इसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वीजी, वीपी एंड वीई आर द जेनेटिक, फिनोटिपिक एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस। द हेरिटेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, थोड़ा कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है? राइट आंसर बता देता हूँ आपके, इसका जो कैलकुलेशन के लिए जो इस्तेमाल में लाएगा यहाँ पर ऑप्शन है ए, जो है हमारा राइट आंसर है इसका। ओके, कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन को रहने देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात यहां पर आई हमारे पास। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम हर एक चीज कैसे करेंगे? प्रिसाइज तरीके से करेंगे। तो वहां पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरह की होगी? प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वहां पर देखी जाएगी। तो अब प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो क्या आता है हमारे पास वहां पर? ग्रीन सीकर। ग्रीन सीकर क्या होता है? ग्रीन सीकर किसे कहा जाता है? एक तरह से जो हरित लवक का पता लगा ले, जैसे कि क्लोरोफिल मीटर होते हैं, हैंड क्लोरोफिल मीटर होते हैं, जिसमें से एक तरह की डिजिटल क्लोरोफिल मीटर जिनमें क्या देखी जाती है? एसपीएडी यानी कि स्पैड वैल्यू उन्हें कहा जाता है, ठीक है? सॉइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट, ठीक है? स्पैड वैल्यू जो है वहां पर आती है, सॉइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट उसे कहा जाता है। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है आपने भी देखा होगा, ठीक है? आपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा कि जिससे लीफ का क्लोरोफिल हम मेजर करते हैं, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? ग्रीन सीकर्स उन्हें कहा जाता है। तो देखिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम डिजिटल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सस्टेन रखते हैं अपनी हर एक इनपुट को, ठीक है? तो वहीं पर हम क्या करेंगे, ये डिजिटल चीज है तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट सिस्टम, जी हाँ, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। एरियल इमेजनरी और साइट मैप, जी हाँ, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो हर एक प्रिसीजन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर है। ओके, निकिता जी का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी कह रही हैं, ठीक है? ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है यहाँ पर हमारे पास। कौन सा है ये? ऑप्शन डी। पूजा झा जी कह रही है ऑप्शन डी, जी हाँ राइट आंसर है आपका। देखिए टेस्ट सीरीज एग्रोनॉमी 2, देखिए अगर आपको इस तरह की कोई ओपन करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी हमारे आज यहाँ पर टेक्निकल इश्यू भी चल रहा था थोड़ा, ठीक है? नेटवर्क का इश्यू चल रहा था, मे बी आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगर बार बार नहीं खुल रही है ट्राई करने से तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुकेश कुमार जी, ठीक है? आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हमारे नंबर पर कॉल कर लीजिए कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके, तो ऑल ऑफ दिस यानी कि सारी की सारी टेक्निक जो है प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में यहां पर अपनाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड। देखिए बहुत ही ये भी सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर है, कितने जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कितने न्यूट्रिएंट रखे गए हैं, ठीक है? पहले जो है ओके जी, ठीक है? पहले हिंदी का पेपर होगा, ठीक है? हाँ, जो भी आपका पेपर होगा शायद पहले हिंदी का ही पेपर होने जा रहा है, जीएस वगैरह पेपर होंगे और बाद में जो है आपके ये जो अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड है ये एग्जाम जो है बाद में होगा। देखिए यहां पर कौन सा है हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कितने जो है यहां पर मुख्य तौर पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं? जी हाँ, पूजा झा जी का राइट आंसर है, निशा कुमारी जी का राइट आंसर है, मुकेश कुमार जी कह रहे हैं राइट आंसर, जी हाँ 17। कितने हैं? आर्नल एंड स्टाउट के द्वारा दिए गए थे, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिए गए थे, आप सही से उन्हें जानते होंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है तो उनके बारे में आप जानते होंगे। तो जो क्या है राइट आंसर इसका, डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी भी कह रहे हैं 17। तो जो राइट आंसर है आपका ओके कौन सा है 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। देखिए यहां पर भी आपके पास एक न्यू क्वेश्चन ये है कि जो व्हाट इज द एप्लीकेशन रेट ऑफ नैनो यूरिया एज प्रपोज्ड बाय इफको।
यानी कि इफको द्वारा जो कितना रिकमेंड किया गया है नैनो यूरिया की कितनी डोज दी जानी चाहिए, इफको द्वारा ये कितना बताया गया है डोज के बारे में। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, 2 ml पर लीटर वाटर में स्प्रे करना है, 3 ml पर लीटर वाटर में ऐड करके स्प्रे करना है, 4 ml या 5 ml। देखिए जो बात करें अगर हम नैनो यूरिया की, तो इफको ने जो है इसे रिलीज किया गया है, नैनो यूरिया या फर्टिलाइजर है इफको द्वारा जो है इसे रिलीज किया गया है। वहीं पर देखिए हमारे पास तो जो ये नैनो यूरिया फर्टिलाइजर है इसको जो है 2 ml से लेकर के 4 ml जो है वहां पर बताया गया है। ठीक है, बताया जाता है कि 2 ml से लेकर के 4 ml जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा, क्योंकि जो है हम मिनिमम डोज से वहां पर शुरुआत करेंगे, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है इसका 2 ml है। जो ये स्ट्रेट फर्टिलाइजर है सिंपल, इसमें क्या पाया जाता है, नैनो यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन वहां पर पाई जाती है, तो यहां पर हमें जो है इसका यूज सिंगली नहीं करना है, इसका जो है किसी अदर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आप नैनो यूरिया को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी अदर जो फर्टिलाइजर है आपके पास, ठीक है, किसी भी अदर फर्टिलाइजर को आपने रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, कि अगर आप नैनो यूरिया अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी और फर्टिलाइजर को अप्लाई ना करो, इस तरह से कोई भी आपने इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं कर रही हैं। अगर आप नैनो यूरिया को अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आप न्यूट्रिएंट अलग से अप्लाई करते हैं वो भी आपने अप्लाई करने हैं, इसको एज एन एडिशनल न्यूट्रिएंट जो है आपने अप्लाई करना है। तो कितना, 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर जो है हमारे पास क्या रहती है, इसकी मिनिमम डोज रहती है। और ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रायल देखें आप, मैक्सिमम रिसर्च पेपर देखें तो वो 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml इस तरह से जो है यूजेस इसके करते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर है हमारे पास इसका 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहां पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन दो हमारे पास यहां पर दिए गए हैं, मैचेस के लिए यहां पर लिस्ट दी गई है, एक में रॉक्स के बारे में बताया गया है और दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बताई गई है। ठीक है, इनको जो है हमने यहां पर मैच करना है, कॉलम को मैच करना है। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए कौन कौन से है हमारे पास यहां पर, सैंडस्टोन है, शेल है, लाइमस्टोन है और ग्रेनाइट है। तो देखिए सिंपल सा यहां पर आंसर है इसका, देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ओके, कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि जो सैंडस्टोन है क्वाजाइट से यहां पर मैच कर रहा है, शेल जो है किससे, स्लेट से मैच कर रहा है, लाइमस्टोन जो है कहां पर, मार्बल। ठीक है, मार्बल से जो है लाइमस्टोन, इस तरह के वहां पर न्यूट्रिएंट रहते हैं, सॉरी जो मिनरल है वो है ग्रेनाइट और निस से जो है ये करेक्ट मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए ये भी सॉइल साइंस का क्वेश्चन आपके पास है, इलुविएशन किसे कहा जाता है। दो टर्म आपके पास आती है यहां पर, सौरभ सिंह जी का राइट आंसर था ऑप्शन ए इसका। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका जी। देखिए कौन सा है, 48 का डी होना चाहिए शिव कुमार जी। ठीक है, टैली किया जाएगा आपके जो क्वेरी है, टैली किया जाएगा उसको। ओके, देखिए कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। 53 क्वेश्चन है हमारे पास, इलुविएशन रेफर टू, यानी कि इलुविएशन किसे कहा जाता है। दो टर्म आती है हमारे पास यहां पर, कौन सी आती है, एक तो होती है एलुविएशन जो कि ई से स्टार्ट होता है, दूसरा होता है इलुविएशन। ठीक है, तो कौन सा हमारे पास यहां पर इलुविएशन किसे कहा जाता है वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओम प्रकाश तपस्वी जी कह रहे हैं 52 का ए जी हां राइट आंसर है आपका, ऑप्शन क्वेश्चन 48। रुकिए जरा, क्वेश्चन 48 एक बार फिर से देख लेते हैं। कैलकुलेशन वाला है, ठीक है, जो आप मैक्सिमम जो है मोस्ट रिलेवेंट इसका जो फॉर्मूला का आंसर है, बाकी आप इसको जो है टैली कर लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको, जो 48 क्वेश्चन है कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन हम यहां पर नहीं कर रहे हैं इसकी, तो आप जो है इसको एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन जो था हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, इलुविएशन के बारे में आपसे पूछा गया, इलुविएशन किसे कहा जाता है। जो आंसर आ रहे हैं आपके कौन सा है, बी, ऑप्शन बी, यानी कि डिपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए लेयर टू बी। जी हाँ, ये राइट आंसर है, जिसका भी ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। यानी कि क्या कहा जाता है, जो इलुविएशन होता है, यानी जो एलुविएशन जो ई से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, वॉशिंग आउट ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी क्या होते हैं जो ए है आपके पास, ठीक है,
ऑप्शन जो ई से स्टार्ट होता है आपका एलोविएशन, ठीक है, तो ई से स्टार्ट होने वाला जो एलोविएशन वर्ड है इसमें क्या होता है, जो वॉशिंग आउट होती है न्यूट्रिएंट की, यानी जब भी एक्सेस वाटर के फ्लो से क्या होता है, वहां पर वाटर जब फ्लो करता है तो जो न्यूट्रिएंट है वहां से वॉश आउट हो जाते हैं अपर लेयर से, और लोअर लेयर में वो डिपॉजिट होने आ जाते हैं। तब जब वॉशिंग आउट होती है उनकी अपर लेयर से तो जो है वहां पर क्या कहलाता है, वो एलोविएशन कहलाता है। वहीं पर जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं लोअर लेयर्स में, बी लेयर में वो डिपॉजिट हो जाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डिपोजिशन कहा जाता है, तो क्या होगा वो एक तरह से इलुविएशन वो कहलाता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओम प्रकाश तपस्वी जी का राइट आंसर है, डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी का भी राइट आंसर है, निकिता जी का भी राइट आंसर था पहले आपने और फिर गलत ऑप्शन चूज कर लिया आपने। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। लिटिल लीफ डिजीज इज कॉज्ड बाय, ठीक है, लिटिल लीफ किसकी कमी से यहां पर देखी जाती है, न्यूट्रिएंट आपके पास दिए गए हैं पोटेशियम डेफिशिएंसी से, जिंक डेफिशिएंसी से, साथ ही सॉरी फास्फोरस डेफिशिएंसी से, जिंक डेफिशिएंसी से, पोटेशियम डेफिशिएंसी से या कॉपर डेफिशिएंसी से, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो है लिटिल लीफ जो है देखी जाती है, कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से लिटिल लीफ जो है देखा जाता है। ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं, पिछला है जी आपका ये ऑप्शन बी, यानी कि जिंक कह रहे हैं, सच्चिदानंद सागर जी कह रहे हैं जिंक। जी हाँ, राइट आंसर है ये जो जिंक या ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है राइट आंसर है। ठीक है, जिंक डिफिशियंसी से जो है लिटिल लीफ को देखा जाता है। ओके, साक्षी कुमारी जी का भी और डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी का भी राइट आंसर है, सच्चिदानंद सागर जी का भी राइट आंसर है। जिंक जो है इसका क्या रहता है, डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट, जब जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस समय पर क्या देखा जाता है, वहां पर उस समय पर देखी जाती है लिटिल लीफ डिजीज और डिसऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ये हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि फास्फोरस मोबिलाइजिंग फर्टिलाइजर किसे कहा जाता है, कौन से इसमें से एक तरह से बायो फर्टिलाइजर हैं जो कि फास्फोरस की मोबिलाइजेशन में काम करते हैं, यानी फिक्स फास्फोरस को वो एक तरह से मोबिलाइज कर देते हैं, कौन से इनमें से हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आंसर बता देता हूं आपको इसका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, जिसने भी लगाया है सही टिक लगाया है, ऑल ऑफ दीज यहां पर इसका आंसर रहेगा, यानी कि ये सारे के सारे जो भी हमारे पास यहां पर बैसिलस यानी कि बैक्टीरियम है, एस्परजिलस और स्यूडोमोनास ये फंगस है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं यहां पर, देखिए ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, सारे के सारे फास्फोरस मोबिलाइजिंग यहां पर ये बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, सारे के सारे क्या करते हैं, डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी का राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, ठीक है, सभी जो ये बैक्टीरिया है या फंगस है यहां पर, जो दो फंगस है एक बैक्टीरिया यहां पर है, तो ये फिक्स फास्फोरस को क्या कर देते हैं, मोबिलाइज जो है ये कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 56 नंबर क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द ट्रेंच मेथड ऑफ FYM प्रिपरेशन, यानी कि ट्रेंच में जो है वहां पर हम डीकम्पोज करके FYM को तैयार कर सकते हैं, ये मेथड किसने दिया था, ट्रेंच मेथड जो है किसने बनाया था, ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर CN आचार्य, डॉक्टर पंजाब सिंह ने, डॉक्टर BN घिल्डियाल ने या नन ऑफ देम, किसके द्वारा जो है ये टेक्निक दी गई थी, ट्रेंच मेथड ऑफ FYM प्रेपरेशन, 56 का ए डॉक्टर CN आचार्य, जी हाँ राइट आंसर है आपका कौन सा है, डॉक्टर CN आचार्य जो है इसका राइट आंसर है, क्या दिया था उन्होंने, ट्रेंच मेथड ऑफ किसका, FYM प्रेपरेशन का ट्रेंच मेथड, 54 का नहीं सी, दिव्या जी आप किस चीज के लिए कह रही हैं, 54 देखिए ए जो है इसका, ठीक है, ओम प्रकाश तपस्वी जी का राइट आंसर है 56 का ए है हमारे पास, ठीक है, निकिता जी का भी राइट आंसर है, कुमारी साक्षी जी का भी राइट आंसर है। ओके, कौन सा है, डॉक्टर CN आचार्य जो है ट्रेंच मेथड ऑफ FYM प्रेपरेशन जो है डॉक्टर CN आचार्य ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, फिजन फंजाई आर नोन एज, किसे जो है फिजन फंजाई के रूप में जाना जाता है, इनमें से वायरसेस को कहा जाता है, बैक्टीरिया को, निमेटोड्स को, या इनमें से कोई भी नहीं, किसे जो है फिजन फंजाई के रूप में जाना जाता है, जल्दी से जो है कमेंट कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को भी नहीं कहा जाता, वायरस को भी, निमेटोड्स को भी नहीं, तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा यहाँ पर है, नन ऑफ दी अबव। फ्यूजन फंजाई जो है किसे कहा जाता है, यीस्ट को कहा जाता है। ओके क्या होते हैं, एक यूनिसेलुलर ये फंगस एक तरह के रहते हैं, कौन सा, जो यीस्ट है, ठीक है, तो इसे फ्यूजन फंजाई कहा जाता है। ये एक तरह से फ्यूजन इसमें होता है, पहले ये एक तरह से माइटोटिकली डिवाइड होता है, उसके बाद जो है इसकी बॉडी में क्या होता है, फ्यूजन जो इसमें देखा जाता है, यानी टुकड़े टुकड़े में बंट जाता है। तो जो यीस्ट है, ठीक है, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी जो है फ्यूजन फंजाई नहीं है, यीस्ट को जो है फ्यूजन फंजाई कहा जाता है। तो क्या है इसका आंसर, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर भी मैचिंग का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। लिस्ट ए में दिए गए हैं डिजीजेस दी गई हैं, वहीं पर बी में वहां पर कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है। तो ये भी मोस्ट कॉमन यहां पर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पनामा विल्ट जो है किससे कॉज होती है वो, ठीक है, पनामा विल्ट किसमें देखी जाती है, बनाना में देखी जाती है। वहीं पर कॉटन विल्ट कौन कॉज करता है, मैंगो एंथ्रेक्नोस कौन कॉज करता है, और राइप रॉट ऑफ चिली कौन कॉज करता है। यहां पर आपके पास लिस्ट दी गई है, मैच करके जो है ऑप्शन के जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। 57 का डी, जी हाँ, राइट आंसर था आपका 57 का डी, ओम प्रकाश तपस्वी जी का। ए बता रहे सचिदानंद सागर जी, कह रहे हैं ऑप्शन ए, जी हाँ राइट आंसर है आपका 58 का ए है आपका, यानी कि कौन सा है हमारे पास यहां पर, ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ए का वन बी का टू, ये बिल्कुल जो है सिमिलर यहां पर दिए गए इस तरह से, ठीक है। पनामा विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम से होती है, वहीं पर कॉटन विल्ट की बात करें तो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम से होती है। यहां पर आपके पास अलग अलग इसकी जो है स्पीशीज दी गई है। वहीं पर देखा जाए तो मैंगो एंथ्रेक्नोज कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड से होती है, और वहीं पर जो चिली का जो राइप रॉट है वो कोलेटोट्राइकम कैप्सिसाई की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है इसका। ओके सचिदानंद सागर जी का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर है। द डिजीज इन लिस्ट ए एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म इन लिस्ट बी, यहां पर भी आपके पास लिस्ट ए में डिजीज दी गई है, बी में आपके पास जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म। जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए देखते हैं, तो जो राइट आंसर है इसका कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन सी, ठीक है, सही लगाया है जिसने भी लगाया है, सी जो है राइट आंसर है हमारे पास यहां पर क्या होगा इसका, यानी कि ए का कौन सा है, वन है हमारे पास, जो किसकी वजह से, ब्लैक हार्ट है पोटैटो में देखा जाता है, किसकी वजह से देखा जाता है यहां पर, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ठीक है। जब भी ढेरों में जो है पोटैटो को रखा जाता है आप जानते हैं, या अगर बोरियों में पैक करके हम पोटैटो को रखें तो जो सबसे अंदर वाले होंगे जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उनमें जो है क्या देखा जाता है, वहां पर ब्लैक हार्ट देखा जाता है। यानी पोटैटो को अगर आप, आलू को अगर आप काटोगे दो हिस्सों में, तो अंदर आपको वहां पर काला काला एक तरह से वहां पर पूरा का वो उसका सरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो उससे क्या कहा जाता है, ब्लैक हार्ट कहा जाता है। वहीं पर ब्लैक टिप ऑफ मैंगो देखे तो जो ब्रिक किल्स होती हैं, SO2 स्मोक जहां से रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होता है, यानी जो ईंट की भट्टियां होती हैं वहां से क्या रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज रिलीज होती हैं, जो कि क्या कारण रहता है जिनका, जो आसपास के बगीचे वहां पर होते हैं अगर आम के बगीचे, तो वहां पर ब्लैक टिप वो कॉज कर देती है। ओके वहीं पर देखें खैरा डिजीज तो जिंक डेफिशिएंसी से होती है, टिप बर्न ऑफ पैडी देखें तो वाटर लॉगिंग कंडीशन वहां पर अगर रहती है ज्यादा, तो उस वक्त टिप बर्न जो है देखा जाता है पैडी में, ठीक है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो है ब्रिक किल से SO2 रिलीज होने पे होती है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो मैंगो में आपने देखा होगा कि जो मैंगो का आकार किस तरह का रहता है, ठीक है, इस तरह का जो है मैंगो का आकार होता है, और टिप बर्न होता है कहां से रहता है, वो ब्लैक टिप यहां से टिप के पोर्शन से रहता है। तो किस तरह है, जब भी आप देखते होंगे तो जो बूंदे होती हैं कहां पर ठहरती है, पानी की बूंदे जब भी बारिश का मौसम है, या जो ओंस हो कहां पर आकर ठहरती है, यहीं पर जो है इस जगह का ठहरती है, टिप पे जो है एक बूंद सी आपको वहां पर लटकी हुई दिखेगी, ठीक है। तो मे बी जो रिलीज होती है गैसेस कहां से, ईंट की भट्टियों से जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो मे बी यहां पर रिएक्ट करके, ठीक है, H2O के साथ रिएक्ट करके जो वो गैसेज है वो मे बी क्या फॉर्म कर सकती है, यहां पर फॉर्म कर सकती हैं H2SO4, यानी कि एसिड को जो है फॉर्म कर सकती हैं। तो मे बी उसी के कॉज से क्या हो सकता है, उसी के इफेक्ट से यहां पर क्या देखा जाता है, जो टिप है वहां पर बर्निंग हो जाती है, क्योंकि जो है जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलकर के स्ट्रॉन्ग एसिड वहां पर फॉर्म कर देती है, जिसके कारण जो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो है देखा जाता है वहां पर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास यहां पर।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल निमेटोड। ठीक है, दो तरह के निमेटोड हैं जो मेल और फीमेल अलग अलग जो है निमेटोड होते हैं। ओके, तो जो ये अलग अलग निमेटोड होते हैं इनमें कौन सी डिफ्रेंशिएशन पाई जाती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। तो सीधे राइट आंसर की बात करते हैं, यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है राइट आंसर इसका, यानी कि जो मेल निमेटोड्स आर सिलिंड्रिकल एंड फिलीफॉर्म, यानी कि जो एज से किस तरह के रहते हैं वो ज्यादातर सिलिंड्रिकल होते हैं। वहीं पर जो फीमेल्स हैं थोड़ी कैसी रहती हैं, बिगर होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं। वहीं पर वहां पर राउंड और ओवल शेप का जो है उनका पोर्शन रहते हैं, वो किस तरह की होती हैं, ज्यादातर राउंड और ओवल शेप की होती है। तो ये मेजर डिफरेंस जो है मेल और फीमेल निमेटोड के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा दिया गया है, सिनेमा फॉर्मेशन इज अ कॉमन फीचर ऑफ सिनेमा, ना समझ जाना इसे, ठीक है। सिनेमा होता है सिनेमेटा भी जो इसे कहा जाता है एक तरह से, जो कोनिडियो फोर्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ओके, पैथोलॉजी में आपने जाना होगा जब फंगस की स्टडी की होगी, तो फंगस में जो कोनिडियो फोर बनते हैं, तो कोनिडियो फोर में अलग अलग जो कोनिडिया होते हैं तो उनमें एक तरह के क्या पाए जाते हैं, अलग अलग सेक्शन पाए जाते हैं। वहीं पर उनमें क्या पाए जाते हैं, सिनेमेटा पाए जाते हैं, एक तरह बहुत ज्यादा थ्रेड्स जो है उनके ऊपर देखे जाते हैं, सिनेमेटा देखे जाते हैं। ठीक है, तो वो सिनेमेटा किस फंगस की कैटेगरी में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, फाइकोमाइसीट्स में, एस्कोमाइसीट्स में, बेसिडियोमाइसीट्स में, या इम्परफेक्ट फंजाई में वो देखे जाते हैं। 60 का ए, ओम प्रकाश तपस्वी जी का 60 का ए, यहां राइट आंसर था आपका 60 का ए जो है राइट आंसर था हमारा। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन के बारे में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, जो राइट आंसर होगा इसका कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एस्कोमाइसीट्स। ओके, जो सिनेमेटा फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किसमें देखी जाती है, एस्कोमाइसीट्स में जो है वो देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 2022। देखिए, ये भी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, 2022 में किसे जो है फूड प्राइज दिया गया, सॉरी फूड प्राइज नोबेल प्राइज जो है दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में, किसे दिया गया नोबेल प्राइज। ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर, प्रोफेसर सावंटे पेबो को दिया गया, प्रोफेसर बेन एस बर्नेंक को दिया गया, एनी एरनॉक्स को दिया गया, या प्रोफेसर डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया, किसे दिया गया। राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर हमें, किसे दिया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, 2022 में जो है नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए, ओके, किसे दिया गया था वो, सच्चिदानंद सागर जी कह रहे हैं ऑप्शन ए, जी हाँ राइट आंसर है आपका, प्रोफेसर सावंते, ठीक है, प्रोफेसर सावंते पाबो को जो है 2022 में क्या दिया गया था, फिजियोलॉजी में जो है इनको, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है नोबेल प्राइज से जो है इन्हें नवाजा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ हिल रिएक्शन। ठीक है, हिल रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा, जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, वहीं पर एक हिल रिएक्शन भी साथ में चलता है, तो उस हिल रिएक्शन में क्या दिया गया है मेन कंस्टिट्यूएंट, जो चीफ कंस्टिट्यूएंट उस हिल रिएक्शन का कौन सा होता है हमारे पास। जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, जो हिल रिएक्शन है, हिल रिएक्शन में मेन कंस्टिट्यूएंट कौन से हमारे पास यहां पर होते हैं, हिल रिएक्शन में मेन कंस्टिट्यूएंट कौन से देखे जाते हैं। देखिए, बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच इन एनएडीपीएच 2, ये क्या है क्लोरोप्लास्ट में सबसे मेन कंपोनेंट रहते हैं इसके। ठीक है, एक तरह से चीफ कंस्टिट्यूएंट जो है इसके रहते हैं इस रिएक्शन के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट, ऑप्शन पेपर ट्रिक सी, सच्चिदानंद सागर जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट इज वेरी निग्लिजिबल कंपेयर टू C3 प्लांट्स, मेनली बिकॉज ऑफ, यानी कि जो C4 प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन होती है वो कम होती है किससे, C3 प्लांट से, उसका क्या कारण रहता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ RuBP कार्बोक्सिलेज इन बंडल शीट ऑफ C4 प्लांट, ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा, पुअर ऑक्सीडेशन, पुअर एक्टिविटी ऑफ RuBP है, ओनली ट्रेसिस ग्लाइकोलिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन C4 प्लांट, या ऑल ऑफ दिस, कौन सा जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 64 क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है आपका।
किस कंडीशन में जो है, कौन सी कंडीशन है जिसके कारण फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में कम होती है, C3 प्लांट में ज्यादा रहती है। तो राइट आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, जो राइट आंसर है चलिए कमेंट कीजिए आप जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। 64 का ए, देखिए ए नहीं होगा इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। ओके, सारी जो यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो सभी रिस्पॉन्सिबल रहती है किस चीज के लिए, वहां पर फोटो रेस्पिरेशन रेट कम होने का ये सारा कारण रहता है C4 प्लांट में। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं सारे के सारे। देखिए कौन सा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की जब क्या होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर उसका रिएक्शन होता है, कंप्लीट रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन होती है सिंगल साइकिल में, कितने एटीपी मॉलिक्यूल वहां पर प्रोड्यूस होते हैं सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। यह भी बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। भरत राजपूत जी का भी राइट आंसर है यहां पर हमारे पास, और जो सत्यानंद सागर जी भी राइट आंसर दे रहे हैं इसका, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, कौन सा है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा इसका। ओके, यानी कि 38 मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस होते हैं, कौन से होते हैं 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ IAA इन द प्लांट सिस्टम, यानी IAA जिसे कि इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, कौन जो है कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, कौन सा एंजाइम जो है उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है, किसकी, यहाँ पर IAA की। तो राइट आंसर की बात करते हैं इसका कौन सा है, 66 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारे पास, यानी कि IAA ऑक्सीडेज जो होता है। ओके, कौन सा है, IAA ऑक्सीडेज, यानी कि सचिदानंद सागर जी का राइट आंसर है ऑप्शन ए। IAA ऑक्सीडेज क्या करता है, तोड़ता है किसे, इंडोल एसिटिक एसिड को, डिस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रक्शन में जो है हेल्पफुल रहता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास 67 क्या है? दिया गया है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमआरएनए कोडन फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथियोनिन, यानी कि मिथियोनिन क्या है, आपके पास एक तरह का एमिनो एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, तो इसके लिए जो कौन सी कोडिंग, ठीक है, कोडोन होते हैं, इनिशिएशन कोडोन होते हैं, वहीं पर टर्मिनेटर कोडोन होते हैं। ओके, इनिशिएशन कोडोन किसे कहा जाता है, जो स्टार्ट करते हैं उस प्रोटीन के सिंथेसिस को। ओके, जी हाँ, विधि जी का भी राइट आंसर है IAA ऑक्सीडेज, कुमारी साक्षी जी का भी राइट आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि IAA ऑक्सीडेज क्या करता है, ब्रेक करता है, डिस्ट्रक्ट करता है किसे, इंडोल एसिटिक एसिड को, IAA को। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका, जो हमारे पास यहां पर दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया है कि mRNA कोडोन में कौन सा कोडोन करता है मिथियोनिन की सिंथेसिस के लिए, एक तरह का इनिशिएशन कोडोन वो हेल्पफुल रहता है, तो कौन सा होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन ए जिसका। जी हाँ, विधि जी भी राइट आंसर दे रही हैं, विधि जी का राइट आंसर है, भरत राजपूत जी का राइट आंसर है, सचिदानंद सागर जी का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हमारे पास, कौन सा है, ऑप्शन ए। ये क्या है, इनिशिएशन कोडोन है जो कि मिथियोनिन को बनाने में क्या करता है, स्टार्टिंग करता है, इनिशिएशन करता है। इसके अलावा कुछ हमारे पास नॉनसेंस कोडोन के नाम से भी कुछ कोडोन जाने जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो एग्जाम में आए तो आप पहले ही जो है उनको क्या कर देना, बाहर कर देना। यहाँ पर मिथियोनिन का पूछा गया है तो मे बी आपसे किसी और एमिनो एसिड का पूछा जाए, तो अगर आपके पास वो नॉनसेंस कोडोन की पता आपको होगा तो आप उनको जो है इजिली एक्सक्लूड कर सकते हैं और बाकी ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं। तो एम्बर कहा जाता है उन्हें, ऑकर कहा जाता है और ओपल कहा जाता है, ठीक है, एम्बर, ओकल और ओपर के नाम से जो है उन्हें जाना जाता है जो नॉनसेंस कोडोन होते हैं। उनमें एक आता है हमारे पास कौन सा है, यूएजी एक होता है जिसे क्या कहा जाता है, एम्बर कहा जाता है, वहीं पर ओकर किसे कहा जाता है, ये जो दिया गया है ऑप्शन डी आपके पास, यूएए से ओकर नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है। और एक और हमारे पास होता है जिसे ओपल कहा जाता है, जो कौन सा होता है, यूजीए। ओके, तो ये जो तीन कोडोन हमारे पास है इन्हें नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है, टर्मिनेटर कोडोन इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, उनको जो सिंथेसिस होती है उसको ये रोक देते हैं। ओके, तो इनको नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है, याद रखना, यूएए, यूजीए और यूएजी, ठीक है, तो ये तीनों कैसे रहते हैं, नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है। अगर ये कभी भी ऑप्शन आपके पास आए तो इनको पहले ही आपने एक्सक्लूड कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, अक्षय जी का भी राइट आंसर था हमारे पास, ओम प्रकाश तपस्वी जी का भी राइट आंसर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर इसका। तो
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अहार पाइन। देखिए अहार पाइन यहां पर दिया गया है, ये क्या होते हैं, एक तरह के वाटर रिजर्वर जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बिहार के ही कुछ रीजन में जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है, किन रीजन में, साउथ बिहार, ठीक है। तो मतलब राइट है ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इट इज अ ट्रेडिशनल फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जी हाँ ये भी सही है कि जो ट्रेडिशनल फ्लड हार्वेस्टिंग सिस्टम का ये एक तरह का सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम ये तैयार किया हुआ है, यानी कि एक तरह के रिजर्वर बनाए जाते हैं जहां पर जो फ्लड से आ रहा होता पानी है उसको संरक्षित किया जाता है और उसके बाद उसको इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। भरत राजपूत जी कह रहे हैं ऑप्शन डी। जी हाँ भरत राजपूत जी आपका राइट आंसर है, यानी कि ये सारे के सारे इससे रिलेटेड सही कथन दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट से। साउथ बिहार में ये ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, इट इज अ कम्युनिटी मैनेज्ड इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये भी क्या है, राइट है इसका। तो सारा का सारे ऑप्शन राइट है, विधि जी का, साक्षी कुमारी जी का, भरत राजपूत जी का, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला दिया गया है, मैचिंग दी गई है हमारे पास, यहाँ पर शेयर बताया गया है फ्रूट्स का, ठीक है। फ्रूट्स दिए गए हैं लिस्ट ए में और बताया गया है कि बिहार स्टेट में उनका एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर कहें तो हॉर्टिकल्चर में कितना शेयर है, कितना परसेंट जो है शेयर रहता है इनका, ओके। तो लीची का देखें यहाँ पर, लीची, मैंगो, टोटल फ्रूट्स और वेजिटेबल, ठीक है। टोटल जो फ्रूट्स हैं वो कितना शेयर देते हैं, लीची का कितना शेयर है इंडिविजुअली, मैंगो का इंडिविजुअली, और जो ओवरऑल वेजिटेबल है उनका कितना शेयर है बिहार में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, 68 का डी। जी हाँ राइट आंसर था आपका, ओम प्रकाश तपस्वी जी का भी राइट आंसर था 68 का डी। चलिए इसका आंसर दे दीजिए, इसमें जो है कितने जो है शेयर ये करते हैं, लीची का कितना रहता है, मैंगो का, सभी के सभी फ्रूट्स कितना शेयर देते हैं ओवरऑल फ्रूट्स और ओवरऑल वेजिटेबल्स, कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट करके आंसर बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। देख लीजिए सही से आंसर को एक बार और कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको एक बार, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कितना जो है शेयर रहता है यहाँ पर, ऑप्शन नहीं दिख रहा, सॉरी, अब पूरा ऑप्शन आपके पास विजिबल है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सच्चिदानंद सागर जी कह रहे हैं ए, ए या टू, किस तरह से कह रहे हैं, ए का टू, यानी कि कह रहे हैं कि लीची का 71% शेयर है। जी हाँ सही कह रहे हैं आप, लीची का कितना है, 71 है, यानी कि ऑप्शन जो है हमारे पास सी जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है इसका, कौन सा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी कि लीची का कितना है 71% जो है लीची का शेयर है। वहीं पे बात करें मैंगो की तो मैंगो का कितना है 13% शेयर है, 13% है टोटल जो फ्रूट्स हमारे पास है, ठीक है। टोटल फ्रूट्स का 6-7% है और वेजिटेबल का 9-8% है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर शेयर जो है दिए गए हैं, ठीक है, इतना जो है शेयर इसका रहता है, ओके। 9.8% जो है किसका है, वेजिटेबल का है, 6.7% जो है फ्रूट्स का है, लीची का, ठीक है, 71% है, और साथ ही साथ बात करें हम किसकी, मैंगो की, तो मैंगो का जो है कितना 13% शेयर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ ऑप्शन है सी जिसका है अक्षय जी का राइट आंसर है, ऑल नहीं होगा, जो डी है ऑप्शन इसका राइट आंसर था, ठीक है। भरत राजपूत जी का राइट आंसर है, कृष्णा कुमार पांडे जी का राइट आंसर है, फिर ओम प्रकाश तपस्वी जी का भी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है कि इट इज ऑल्सो नोन एज कमला आम। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमला आम, जी हाँ इसे कहा जाता है कमला आम कहा जाता है। वहीं पर देखा जाए इट इज अ रिच इन आयरन, इट इज रिच इन आयरन, तो ये आयरन का भी रिच सोर्स है, ये भी इसमें राइट है। वहीं पर देखा जाए इट्स फर्स्ट कल्टीवेशन इन बिहार वॉज स्टार्टेड एट किशनगंज केवीके इन 2014 में ही इसकी शुरुआत की गई थी और किशनगंज में ही इसे उत्पादित किया जाता है, वहीं पर इसकी शुरुआत की गई थी। और राइट आंसर है इसका कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। भरत राजपूत जी का राइट आंसर है, सच्चिदानंद जी का राइट आंसर है,
वहीं पर कुमारी साक्षी जी का भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सारे के जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, राइट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच क्रॉप इन लिस्ट वन सीड रेट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सीधा सीड रेट है ऑप्शन लिस्ट वन में हमारे पास सीड क्रॉप दी गई है, लिस्ट बी में उससे रिलेटेड सीड रेट दिए गए हैं, तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा जो है किसका सीड रेट यहाँ पर है। ऑप्शन आप देख लीजिए क्लियरली, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन आपके पास विजिबल है, क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। सीड रेट यहां पर है आपके पास कॉलीफ्लावर का, टमाटो का, कैरेट का और पोटैटो का, इसका जो है आपने सीड रेट यहां पर बताना है कितना जो है इसका सीड रेट रहता है। देखिए सिंपल सा यहाँ पर देखें हम, तो जो पोटैटो का है कितना रहता है, 2 से 2.5 टन, टन में तो किसका रहेगा, पोटैटो का, इनमें से किसी का भी नहीं रहेगा टन में, तो कौन सा है हमारे पास यहाँ पर पोटैटो का ही हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 to 5 टन हो जाएगा, 2.5 टन हो जाएगा। वहीं पर देखें कैरेट का तो 5 से 6 किलो रहता है कैरेट का, टोमेटो का देखें तो 400 से 500 रहता है, कॉलीफ्लावर का देखें तो 600 से 700, ठीक है। ये जो है इसका क्या रहता है हमारे पास सीड रेट जो है रहता है 71 का C। सर क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास क्या है यहाँ पर सीड रेट है, ओके। तो देखिए किसने जो है राइट आंसर किया है यहाँ पर, भरत कुमार जी कह रहे हैं सी है, पर कुमारी साक्षी जी कह रही हैं ऑप्शन सी है इसका जो है राइट आंसर है आपका। जिसने भी ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ओके। कौन सा है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, द फ्रूट क्रॉप लिस्ट ए में दी गई है फ्रूट क्रॉप और लिस्ट बी में दी गई है उनकी कुछ पॉपुलर वेराइटीज। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली जो है आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए चलिए डिस्कस कर लेते हैं, सभी जानते होंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो लीची है, लीची की कौन कौन सी वेराइटी है यहाँ पर देखिए, स्वर्ण रूपा, जी हाँ, कौन सा है, कस्बा और स्वर्ण रूपा जो है किसकी वेराइटी है यहाँ पर, लीची की वेराइटी हमारे पास, ओके। कौन सी है ये, लीची की ये वैरायटीज हैं। वहीं पर बात करें मैंगो की तो दीघा मालदा हो गया और जर्दालू, ये क्या है मैंगो की वैरायटीज हैं हमारे पास। बात करें पाइनएप्पल की तो क्यू और क्वीन जो है पाइनएप्पल की वैरायटी है। गुआवा की बात करें तो अर्क अमूल्य और सरदार, ये क्या है गुआवा की वैरायटीज है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए अगला पूछा गया हमसे, हैंगिंग गार्डन में कौन सी वेजिटेबल इनमें से ग्रो की जाती है, पेपर हो गया, लेट्यूस है, टोमेटो है, या सारी की सारी क्रॉप्स। हैंगिंग गार्डन में किस क्रॉप्स को यहां पर, किन क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है हैंगिंग गार्डन में, ओके। 73 का आप आंसर दीजिए जल्दी से, किन क्रॉप्स को जो है हैंगिंग गार्डन में कल्टीवेट किया जाता है, जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। देखिए बात करें इसके आंसर की तो कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, जितने भी ये पेपर्स हैं, लेट्यूस हैं और टोमेटो हैं, इनको जो है हैंगिंग गार्डन में ग्रो किया जा सकता है। जी हाँ राइट आंसर है, भरत राजपूत जी राइट कर रहे हैं, अमरीश राय जी का भी राइट आंसर है, कृष्णा पांडे जी का भी राइट आंसर है, कृष्णा कुमार पांडे जी भी राइट आंसर है आपका, अक्षय कुमार जी का भी राइट आंसर है, वहीं पर भरत राजपूत जी राइट आंसर है जी आपके, सभी के जो है राइट आंसर है ऑप्शन डी। सचिदानंद सागर जी भी कह रहे हैं ऑप्शन बी नहीं, इसके जो है सारे ही सभी जो ये यहाँ पर जो वेजिटेबल्स दिए गए हैं आपके पास, तो सभी को ही जो है ग्रो किया जाता है हैंगिंग गार्डन में, ओके। अंजलि पुष्कर जी कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रही हैं ऑप्शन डी, जी हाँ इनका भी राइट आंसर है, अमरीश राय जी राइट आंसर है जी आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, सर ये क्वेश्चन किस एग्जाम के, देखिए बीपीएससी का ही कोई एग्जाम था आपका प्रीवियस ईयर में हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर के ये क्वेश्चन हैं, एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम हुआ था, कंफर्मेशन मुझे नहीं है इस चीज की, बट आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, बीपीएससी का ही कोई एग्जाम था ये, ओके, एग्रीकल्चर का ही बीपीएससी का ही एग्जाम है, बिहार का ही ये एग्जाम है और 2023 में ये एग्जाम हुआ था, ओके। तो इसमें हमने देखा कि मोस्ट रिलेवेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर पूछे गए हैं, क्योंकि बिहार के मैक्सिमम क्वेश्चन है और बिहार का ही ये पेपर है, तो मे बी इससे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इनको भी साथ में लेकर के चलना है आपको, ओके। तो इसलिए जो हम इस पेपर को आपके लिए लाए हैं आज यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ बिहार स्टेट इन
कितने में, 2021 की बात करें, ठीक है, तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन बिहार स्टेट की 2021-22 में कितनी रही यहाँ पर है? आंसर की बात करते हैं सीधे, तो 184.86 लाख मैट्रिक टन, कितना है, 184.86 लाख मैट्रिक टन जो है, ओके, कितना है, 184.86 लाख हेक्टेयर मैट्रिक टन जो है आपका क्या रहता है, ये आंसर है इसका, ये जो है कंप्लीट जो है ओवरऑल प्रोडक्शन हुई है 2021-22 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्लड इन बिहार? देखिए बिहार में फ्लड आने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, मेन कॉजेज कौन कौन से हैं यहां पर? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल एंड पास्टरल लैंड इन द मिडल ऑफ द हिल्स इन नेपाल, इंक्रीज इन द एनुअल रेनफॉल इन एनुअल रन ऑफ ऑफ सप्तकोशी रिवर, या फ्लो ऑफ द सप्तकोशी हैज ग्रोन बाय 2.5 टाइम्स, और साथ ही साथ ऑल ऑफ दीज, कौन सा जो है इसका राइट आंसर रहेगा, कि मैक्सिमम जो है किससे, ठीक है, कि मैक्सिमम जो है किस चीज का जो है यहां पर इफेक्ट रहता है जिससे जो है बिहार में क्या है फ्लड्स आते रहते हैं, मेन कॉज कौन सा है, मेन कारण कौन सा है यहां पर आपके पास? इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जी हाँ, भरत राजपूत जी का राइट आंसर है, सच्चिदानंद सागर जी और ओम प्रकाश तपस्वी जी का यहां पर राइट आंसर है हमारे पास यहां पर कौन सा, ऑप्शन डी, ठीक है। सारे के सारे ये जो यहां पर कंडीशंस दी गई हैं, ये हर एक कंडीशन कंट्रीब्यूट करती है किसके लिए, यहां पर ये कंट्रीब्यूट करती है किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करती है, वहां पर फ्लड आने का जो है ये कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉप्स दी गई है वहीं पर उनका आइसोलेशन डिस्टेंस दिया गया है, तो कौन सा आइसोलेशन डिस्टेंस किस क्रॉप में फॉलो किया जाता है, राइट आंसर इसका क्या रहेगा? लिस्ट ए देखिए आप, तो लिस्ट ए में आपके पास यहां पर सोरघम, शुगर बीट, पोटैटो और मेज दिए गए हैं, वहीं पर साथ में आपके पास लिस्ट बी में इसके आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो है इसका क्या होगा? चलिए बात करते हैं इसके राइट आंसर की, ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर है, ओके, यानी कि ए का, यानी जो हमारे पास कौन सा है सोरघम है, सोरघम में कितना 200 मीटर यहां पर इसमें आइसोलेशन है डिस्टेंस। क्लास देख लीजिए सीड की कौन सी, सर्टिफाइड सीड के लिए आपके पास पूछा गया, ओके, सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन पूछा गया, तो सोरघम में कितना रखा जाता है 200 मीटर। वहीं पर बात करें शुगर बीट की, तो शुगर बीट में जो है 1000 मीटर रखा जाता है आइसोलेशन डिस्टेंस। बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो में जो है सबसे कम, क्योंकि ये हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस जो है 5 मीटर रखा जाता है यहां पर। वहीं पर बात करें मेज की, तो मेज में कितना है 400 मीटर जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है किसमें, सर्टिफाइड जो सीड है जिसे कि प्रमाणित बीज कहा जाता है, उस प्रमाणित बीज को प्रोड्यूस करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस इन बिहार बिकम द फर्स्ट एवर न्यूट्रिशनल विलेज ऑफ इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन सा विलेज है बिहार का जिसे क्या कहा जाता है फर्स्ट एवर न्यूट्रिशनल विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है, यानी एक तरह से पोषक गांव कहा जाएगा इसे, सबसे पहला पोषक गांव भारत का, तो कौन सा विलेज है वो बिहार का? तो जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा है हमारे पास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कुकारी बिगा जो गांव है इसे क्या माना जाता है यहां पर पोषक गांव के रूप में, न्यूट्रिशनल विलेज ऑफ इंडिया जो है इसे कहा जाता है। अगला यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट केवीके इन बिहार? देखिए आप सभी बिहार से होंगे तो आप जानते होंगे जो ओल्डेस्ट केवीके है, सबसे पहला केवीके जो है बिहार का कौन सा है, कौन था जो सबसे पहले केवीके जो है बिहार में एस्टेब्लिश किया गया था, कौन सा वो केवीके है? राइट आंसर की बात करते हैं इसके, तो राइट आंसर कौन सा है, मुंगेर इन पटना, ठीक है, जो केवीके है मुंगेर का केवीके जो पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो वो क्या है सबसे पहले जो है बिहार में केवीके उसे स्थापित किया गया था, वहां पर जो है केवीके स्थापित किया गया था, ठीक है, केवीके जो मुंगेर वाला है उसे सबसे पहले स्थापित किया गया था बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज इन बिहार? देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे जो है पहला ऑर्गेनिक विलेज कहा जाता है, ठीक है, सबसे पहले जो है कहां पर ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को अपनाया गया और अभी तक अपनाया जाता है, और वहां पर जो है मोस्टली जितने किसान हैं ग्रोअर्स हैं ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस से ही क्या है वो अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस वो करते हैं।
जी हाँ, राइट आंसर थे आपके ओम प्रकाश तपस्वी जी का, राइट आंसर सज्जनंद सागर जी का राइट आंसर है यहाँ पर 79 क्वेश्चन का इनका ऑप्शन ए कह रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, जो केडिया विलेज है, ओके, जो केडिया विलेज है ये क्या है, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। कौन सी, बिहार की जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज आता है केडिया विलेज। तो वहां पर जो है अभी तक क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जा रहा है उस जगह पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है और किसान क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से ही वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट। इसका आंसर आप दीजिए, क्योंकि यहां पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, सुधाकर सिंह जी हैं, अमरिंदर प्रताप सिंह जी हैं, कुमार सरबजीत हैं, या डॉक्टर मोहम्मद महमूद अबूबाकर हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं ये जो है 23 का ये पेपर था, तो अभी तक जो है चेंज हो गया है, न्यूली जो है नए जो है अपॉइंट हुए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आप कमेंट करके बताइए उनका नाम क्या है। जी हाँ, सचिदानंद सागर जी कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी। जी हाँ, राइट आंसर है आपका, कौन से हैं, विजय कुमार सिन्हा जी को जो है न्यूली अपॉइंट किया गया है एज एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार। ओके, याद रखना है आपने उनका नाम कौन से है, विजय कुमार सिन्हा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY स्कीम के नाम से इसे जाना जाता है, वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग, कब ये लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 2015-16 में, 2018-19 में, 2016-17 में, या 19-20 में, कब जो है इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए स्कीम से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओके, स्कीम से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपने हर एक स्कीम्स को भी जो है बिहार स्टेट में मोस्टली जो चल रही हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है होनी चाहिए। ओके, तो कौन सा है हमारे पास यहां पर, राइट आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करके जल्दी से बताइए। भरत राजपूत जी कह रहे हैं ऑप्शन ए, कृष्ण कुमार पांडे जी कह रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि 15-16 में जो है ये रिलीज हुई थी। देखिए जो ये हमारे पास सिंचाई योजना है तो 16-17 में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कौन सा है, 2016-17 में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है लॉन्च हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय महालनोबिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर। ठीक है, ये क्या है, एक तरह की ये एजेंसी है, एसोसिएशन है, ठीक है, ये क्या करती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से जो भी ड्राउट प्रोन एरियाज हो गए या कोई भी इस तरह की, जैसे किसी एरिया में भारत के किस डिस्ट्रिक्ट में किस स्टेट में कहां पर ड्राउट प्रोन एरियाज हैं और साथ ही साथ कितनी रेनफॉल वहां पर होती है, किस तरह के टेम्परेचर वहां पर होते हैं, तो इस तरह के फॉरकास्टिंग जो है ये करती है, जो ये कौन सी है, एसोसिएशन जो है। ओके, वहीं पर देखें तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 141 है, 150 है, 159 है और 161 है। तो इसका जो करेक्ट डाटा है, ठीक है, इसको फाइंड हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम इसको सर्च किया, तो जो करेक्ट डिस्ट्रिक्ट का डाटा वहां पर नहीं दिया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार टैली कर लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा कि जो MNCFC है। ओके, हम थोड़ा और सर्च करेंगे इसके बारे में, अगर करेक्ट डाटा मिल जाए तो हम उसको इन्फॉर्मेशन है उसको जो है दी जाएगी। 81 का ए यानी कि 2015-16-17, यह ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, कौन सा है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। ओके, सॉरी, सिंचाई योजना है ये है, तो कौन कब रिलीज हुई थी, 2015-16 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, 2015-16 में आया था, माफी चाहेंगे। ठीक है, ओके, कौन सा राइट आंसर है इसका, 2015-16 में जो सिंचाई योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 और 2016 में जो है ये रिलीज हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। यहां पर फिर से स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए कंटिन्यूअसली यहां पर स्कीम से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो स्कीम से यहां पर क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च्ड इन इंडिया। ठीक है, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, ये जो योजना है फसल बीमा योजना थी वो। ओके, चलिए ये जो योजना थी 2015-16 में जो है सिंचाई योजना आई थी। ओके, सही कह रहे हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी, कब इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा।
कृष्ण कुमार पांडे जी कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा। जी हाँ, राइट आंसर है। सुदानंद जी भी कह रहे हैं ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन सी है यानी कि 18 February 2016 में जो है कौन सी हमारे पास है यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये रिलीज हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमसे पूछा गया व्हेन वाज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि जिसे कि एपीएमसी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एक्ट है कौन सा जी ए राइट आंसर है। ठीक है, आपको पहले बता दिया गया है जो ये है ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। इसका सिंचाई योजना 2015-16 में आई थी, पहले आपके साथ टैली कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहां पर जो है 83 जो है कौन सा है इसका राइट आंसर हमारे पास था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। ओके, जो कौन सी है हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आई थी 2016 में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए कौन सा था आपके पास है एपीएमसी जो एक्ट है वो कब लॉन्च हुआ था यानी कि एपीएमसी अधिनियम कब आया था। देखिए जो एपीएमसी अधिनियम यहां पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है 2015 है, 2016 है, 2017 है, उसके साथ 2018 है। ठीक है, बात करें बेसिकली तो जो एपीएमसी एक्ट जो सबसे पहले आया था तो एपीएमसी एक्ट सबसे पहले 2003 में आया था। ओके, जो आपके पास ऑप्शन में नहीं है, बट इसके बाद एक तरह से अमेंडमेंट इसमें किया गया एपीएलएम के नाम से जो है इसे रिप्लेस किया गया 2017 में। ओके, कब किया गया, तो जो हमारा आंसर रहेगा इसका कौन सा रहेगा 2017 रहेगा, जहां पर इसमें क्या होगा क्या किया गया 2017 में इसमें एक तरह से एपीएलएम जो है इसे नाम दिया गया यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और लाइफ स्टॉक मार्केटिंग जो है इसे कहा गया फिर। ठीक है, एपीएमसी को हटा करके एपीएलएम जो है इसका नाम रखा गया यानी कि 2017 में जो है एपीएलएम को रिप्लेस वहां पर एपीएलएम ने जो है एपीएमसी को जो है रिप्लेस वहां पर किया था। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आप जैसे वैकेंसीज रिलीज हो सकती हैं हमारे जो जो नेक्स्ट मंथ है, ठीक है, मार्च और अप्रैल के ड्यूरिंग जो है इन वैकेंसीज, ये जो वैकेंसीज है बिहार में रिलीज हो सकती हैं कौन सी हैं, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है, बीएचओ और जो सब डिविजनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है इनकी वैकेंसी जो है रिलीज में भी हो सकती है नेक्स्ट जो मंथ है। ठीक है, मार्च अप्रैल में जो है ये वैकेंसीज रिलीज हो सकती हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इस एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके पे आपके लिए इसके लिए कोर्स अवेलेबल है, जिस कोर्स में जो है आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी जो कंप्लीट सिलेबस की होंगी और बायलिंगुअल, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। 50+ मॉक टेस्ट हैं वो भी बायलिंगुअल रखे गए हैं। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी है वही आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी। डाउट जो सेशंस भी आपके लिए रखे जाएंगे, ठीक है, डाउट सॉल्यूशन जो भी आपके कोई डाउट होंगे तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस रखी जाएंगी। ओके, और साथ ही साथ जो है इंटरव्यू गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप, ठीक है, बीएचओ और एसडीएचओ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 2299 रुपए में इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं या हमारी ऐप जो है एग्रीकल्चर एंड जीके वहां से आप डायरेक्ट इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो जो है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सही से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, साथ ही इसका जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारी ऐप पर जाकर भी डायरेक्टली आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारे पास दिया गया है व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुआ था जीएसटी। देखिए सारे के सारे अब मार्केटिंग से रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, जीएसटी जो है कब लॉन्च हुआ था, आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहा जाता है जीएसटी कहा जाता है, तो कब जो है जीएसटी लॉन्च किया गया था। देखिए जो राइट आंसर है इसका कौन सा है, बी जो है इसका राइट आंसर होगा यानी कि 1 July 2017 में जो है जीएसटी लागू किया गया था, जीएसटी को लॉन्च किया गया था कब किया गया था 1 July 2017 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मिनिमम टैक्स रेट अंडर जीएसटी। ठीक है, सबसे कम जो है टैक्स है किस पर लगाया जाता है, ठीक है, सबसे कम जीएसटी इनमें से किस पर लगाया जाता है। देखिए बात करें इसका मोस्ट रिलीवेंट जो आंसर रहेगा, जैसे कि फर्टिलाइजर में जो है कितना लगाया जाता है 12% लगाया जाता है, वहीं पर पेस्टिसाइड की बात करें तो 18% जीएसटी वहां पर लगता है,
वहीं पर बात करें इन दो की, यानी कि ड्रिप इरिगेशन और इसके इक्विपमेंट में या कोई भी इरिगेशन स्प्रिंकलर हो ड्रिप हो तो वहां पर भी कितना 12% लगाया जाता है, ठीक है 12%, और इस पर ट्रैक्टर पर भी 12%, और ट्रैक्टर के कोई इक्विपमेंट भी अगर परचेज करते हैं तो उस पर भी 12% लगाया जाता है, ठीक है तो वहां पर भी क्या लगाया जाता है 12% टैक्स लगाया जाता है। तो इसका जो मोस्ट यहाँ पर रिलेवेंट क्वेश्चंस का जो आंसर यहाँ पर नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो है सिमिलर है तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द टोटल जीडीपी ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का जो टोटल क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर जीडीपी, जो टोटल जीडीपी होती है एग्रीकल्चर का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। ओम प्रकाश तपस्वी जी कह रहे हैं 85 का जो है क्या होगा बी, जी हाँ 85 का बी है ए नहीं है, ओके चलिए यहाँ पर कितना जो है कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर का बिहार की जीडीपी में, इसका आंसर दीजिए 86 का ए कह रहे हैं। देखिए जो फर्टिलाइजर है वहां पर भी 12% है, बाकी देखा जाए ट्रैक्टर ट्रैक्टर के इक्विपमेंट है वहां पर भी 12% है, तो मोस्ट रिलेवेंट इसका कोई आंसर हमें मिल नहीं पा रहा इसमें। चलिए उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन टोटल जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, तो एग्रीकल्चर का कितना शेयर रहता है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट जो है एग्रीकल्चर करता है यहाँ पर टोटल जीडीपी में। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन टू जो है इसका राइट आंसर, ठीक है ऑप्शन सेकंड, ठीक है बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, यानी कि 24.8% जो है किसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर जो है कंट्रीब्यूट करता है, कितना करता है 24.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन वाज द जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च्ड इन बिहार, ठीक है बिहार में एक मिशन चला कौन सा जल जीवन हरियाली मिशन, तो जो जल जीवन हरियाली मिशन है कब इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है तो राइट आंसर की बात करें इसकी तो कब लॉन्च किया गया था इसे 2 अक्टूबर 2019, ठीक है 2 अक्टूबर 2019 को जो है इसे लॉन्च किया गया था जल जीवन हरियाली मिशन को बिहार में, ओके याद रखना है 2 अक्टूबर 2019, ठीक है गांधी जयंती से ही इसे याद रख लेना 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैक्सिमम जो कुछ ऑप्शन यहां पर रॉन्ग भी ठीक है तो इसलिए आप देखिए आपको क्वेश्चन के आंसर से मतलब होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन की जानकारी लेनी है ज्यादा से ज्यादा, तो आप क्वेश्चन और उनके आंसर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है पहले से ठीक है नहीं ठीक है उससे आपको कोई वो नहीं है, ओके आप आंसर देखिए क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपके लिए जो है आंसर जो है मोस्ट यहाँ पर रहते हैं, ओके चलिए साबित खान जी चलिए देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास कौन सा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन, यानी कि अगर आप जानते होंगे तो इनिशियली जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो पहले जो है किसके अंडर पूसा कैंपस में ही जो उसको चलाया जाता था, ठीक है बट उसके बाद क्या है यहाँ पर उसके बाद जो है उसने अपने आप जो है अलग कैंपस उसका बना दिया गया, किसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, तो कब जो है ये अपने आप एग्जिस्टेंस में आई कब इसको न्यूली जो है एक तरह से इसका कैंपस सही से तैयार किया गया और वहां पर ये वर्क करती है, तो किस डेट में जो है ये एग्जिस्टेंस में आई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो जो राइट आंसर है इसका कौन सा है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कब 7 अक्टूबर 2016 में जो है ये कंप्लीटली जो है एग्जिस्टेंस में आई थी यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास वेयर इज मोकामा ताल लोकेटेड इन बिहार स्टेट, देखिए मोकामा ताल है जैसे आप जानते हैं बिहार में दो तरह के लैंड्स पाए जाते हैं, एक तो दायरा लैंड दायरा लैंड जिन्हें कहा जाता है, ठीक है दायरा फार्मिंग वहां पर की जाती है दायरा क्रॉपिंग की जाती है दायरा लैंड्स होते हैं, वहीं पर दूसरे कौन से होते हैं ताल लैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि वहां पर क्या होता रहता है एक तरह से नदियों के बैकफ्लो से या ओवर जब रेन वाटर हो जाता है तो वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज अवेलेबल जिन एरियाज में नहीं है, तो पुअर ड्रेनेज होने की वजह से एक ही जगह पर क्या रहता है पानी वहां पर खड़ा रहता है, और ऐसा भी नहीं कि वो थोड़ी जगह पर बहुत ही ज्यादा किलोमीटर एरिया में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है 60-70-100 किलोमीटर एरिया 1000 किलोमीटर इतने एरिया में आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी कौन से पूछे गए हमारे पास यहां पर मोकामा ताल, देखिये मोकामा ताल एक सिंगल ताल नहीं है ये कितने 7 ताल से मिलकर बना हुआ है, ओके अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाए कि मोकामा जो ताल है ये कितने ताल का कॉम्पोजिशन है तो जो है 7 ताल का ये कॉम्पोजिशन है, कितने का है 7 ताल इसमें आते हैं, ओके 7 ताल का कॉम्पोजिशन है, तो देखा जाए सबसे ज्यादा ये कहां पर फैला हुआ है ये पटना में ज्यादा फैला हुआ, ओके 89 का ऑप्शन बी कह रहे हैं
या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। 90 का देखिए आप, पटना जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है, जो मोकामा ताल है पटना में फैला हुआ है पूरा का पूरा 1062, ठीक है, कितना 1062 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है ये फैला हुआ है। वहीं पर पटना के साथ साथ समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, तो उन जगह पर ये फैला हुआ बहुत ही बड़ा क्या है ये मोकामा ताल है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, 7 ताल का ये क्या है समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कंसीडर्ड मोस्ट सुटेबल टू ग्रो ऑन दायरा लैंड। देखिए बात आ गई ताल लैंड का क्वेश्चन आया, तो दायरा लैंड का भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए तो बात करें अगर कौन से दायरा लैंड की, तो आप जानते होंगे तो कौन सी क्रॉप इसमें ग्रो की जाती है, क्योंकि कोस्टल एरिया एक तरह का होता है ये, जहां पर नदी से जो है डिपॉजिट किए जाते हैं सॉल्ट, और वहीं पर नदी के किनारे एक तरह से कल्टीवेशन की जाती है। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर है आपके पास, कुकुरबिट्स जो है राइट आंसर इसका। कौन सा है? कुकुरबिट्स इसका राइट आंसर है। जो कुकुरबिट्स हैं दायरा एरियाज में, दायरा लैंड में जो है मैक्सिमम ग्रो किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारे पास यहां पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सॉइल ऑफ ताल एरियाज ऑफ बिहार। देखिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, ताल और दायरा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। देखिए जो ताल की बात करें यहां पर किससे क्वेश्चन पूछा गया, 90 का बी। देखिए जो ज्यादा है सबसे ज्यादा जो है ए, ओम प्रकाश तपस्वी जी, देखा जाए तो ए में जो है यानी कि पटना में सबसे ज्यादा वो फैले हुए हैं। ओके, पटना में फैले हुए हैं ज्यादा, ठीक है, आप टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो पटना में ही आपको मिलेगा इसका ज्यादा मोस्ट रिलेवेंट जो है पटना में वो फैले हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दायरा लैंड सॉरी जो ताल लैंड है बिहार के, उससे रिलेटेड कौन सी यहां पर स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। सॉइल आर ग्रे इन कलर एंड मीडियम टू हैवी टेक्सचर। जी हाँ, ग्रे कलर की सॉइल उनमें पाई जाती है और मीडियम से हैवी टेक्सचर, ठीक है, ज्यादातर जो हैवी टेक्सचर्ड सॉइल वहां पर पाई जाती है। बात करें नेक्स्ट जो दिया गया है कि 50 to 70% क्ले कंटेंट है, ये भी सही है। वहां पर जो ताल सॉइल्स होती हैं वहां पर क्या होता है मैक्सिमम 50 to 70% तक क्या पाया जाता है, क्ले कंटेंट उनमें पाया जाता है सॉइल्स में। नेक्स्ट है कि जो सॉइल्स हैं वो न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। जी हाँ, ये भी राइट है हमारे पास। तो जो आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन डी, यानी सॉइल्स आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रेंट। जी नहीं, ये यहां पर गलत स्टेटमेंट दी गई है। अक्षय जी कह रहे हैं कुकुरबिट्स, जी हाँ, दायरा लैंड में सबसे ज्यादा कुकुरबिट्स को ग्रो किया जाता है। 91 का डी जी हाँ राइट है आपका भी। ओम प्रकाश तपस्वी जी भी राइट कर रहे हैं, कुमारी साक्षी जी का भी राइट आंसर है कुकुरबिट्स, ठीक है। इसका बताइए, इसका भी आपका राइट आंसर है, अगर इसके लिए आप ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, यानी कि क्या किया जाता है, जो भी देखा जाए तो जो ताल लैंड्स की जो सॉइल है माइक्रोन्यूट्रेंट उनमें डेफिशिएंसी पाई जाती है। सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी तो किसकी, जिंक की पाई जाती है उसमें। ओके, कितनी पाई जाती है, जिंक की लगभग उसकी जो सॉइल है, ठीक है, लगभग 40 to 45% तक की जो सॉइल है, जो ताल लैंड्स की सॉइल है उसके 40 to 45% तक की सॉइल में जिंक डेफिशिएंट पाया जाता है। वहीं पर देखा जाए तो लगभग 30 to 35%, ठीक है, 30 to 35% जो सॉइल है वहां पर उसमें किस चीज की कमी है, बोरोन जो है, ठीक है, बोरोन की उसमें कमी है। वहीं पर देखा जाए हमारे पास तो कौन सा है, अदर जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, आयरन को भी देखी जाती है वहां पर, इस न्यूट्रिएंट की भी वहां पर कमी देखी जाती है, ठीक है, और तो जो कौन सा है वहां पर, मैंगनीज जो न्यूट्रिएंट है वो वहां पर सफिशियंट पाया जाता है, ठीक है, मैंगनीज माइक्रो न्यूट्रिएंट सफिशियंट पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में रिच नहीं होती ताल एरिया की सॉइल, कैसी होती है, डेफिशिएंट होती है। ओके, कमी रहती है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखिए इसका भी पहले से ही सही टिक लगा हुआ है, कौन सा है, 80 करोड़, ठीक है, लगभग 80 करोड़ जो पॉपुलेशन ने बेनिफिट लिया है किस योजना से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा दिया गया है अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट हैज स्वैंप सॉइल। देखिए किन डिस्ट्रिक्ट में जो है, बिहार स्टेट के किन डिस्ट्रिक्ट में स्वैंप सॉइल पाई जाती है। देखिए स्वैंप सॉइल कौन सी होती है, मतलब कि एक तरह से पूरी तरह से वो वेटलैंड्स होते हैं और उसमें जो है अननेसेसरली, ठीक है, अननेसेसरली वहां पर क्या ग्रो होते रहते हैं, वीड्स जो है अननेसेसरी वीड उनमें ग्रो होते रहते हैं, तो किन जगह पर जो है वो स्वैंप सॉइल पाई जाती है, यानी कि जो हमेशा मॉइस्चरस ही रहती है, ज्यादा मॉइस्चर उनमें पाया जाता है, तो कौन सी वो सॉइल है। ठीक है, बात करें इसके राइट आंसर की तो चंपारण है, ठीक है, कौन सा है, चंपारण एरिया जो है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो है स्वैंप सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज बिहार अवॉर्डेड द कृषि कर्मण अवार्ड फॉर राइस प्रोडक्शन। ठीक है, राइस प्रोडक्शन के लिए उनको क्या मिला,
कृषि कर्मण अवार्ड मिला राइस प्रोडक्शन के लिए बिहार स्टेट में। तो कब दिया गया था ये अवार्ड, तो बात करते हैं इसके, तो 2013 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2030 में दिया गया था, जो प्रीवियस ईयर है, लास्ट ईयर जो उनकी प्रोडक्शन हुई थी उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन दी बिहार। मैक्सिमम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहां पर है बिहार में, ठीक है, किन एरिया में जो है मैक्सिमम क्रॉपिंग इंटेंसिटी है बिहार में, तो वो आपको कमेंट करके आंसर बताइए किस एरिया में मैक्सिमम यहां पर रहती है। फॉर दिस क्लास, जी हाँ, बहुत बहुत वेलकम आपका साबित खान जी। थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत बहुत वेलकम। देखिए जो यहां पर आपके पास है 96 जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा है, फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम क्रॉपिंग इंडस्ट्री, तो किस जगह पर मैक्सिमम क्रॉपिंग इंडस्ट्री जो है बिहार में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा इसका राइट आंसर है। ओके, कौन सा है, सहरसा इन कोसी डिवीजन, ये इसका जो है राइट आंसर है। 2013 तो सुमंत कर टोनी कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सहरसा इन कोसी डिवीजन में मैक्सिमम क्रॉप इंटेंसिटी पाई जाती है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, 97 है, दो तीन क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज लीडिंग इन मैंगो प्रोडक्शन इन बिहार। देखिए मैंगो प्रोडक्शन में बिहार में सबसे लीडिंग स्टेट कौन सी है, सबसे ज्यादा मैंगो प्रोडक्शन है बिहार में कहां पर किए जाते हैं। ये कुमारी साक्षी जी का राइट आंसर था ऑप्शन ए, वहीं पर ओम प्रकाश तपस्वी जी का भी राइट आंसर था ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, कौन सा है, सबसे ज्यादा मैंगो किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट लीडिंग प्रोडक्शन, लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगो की बिहार स्टेट में। देखिए तो जो राइट आंसर है, राइट आंसर की बात करते हैं यहां पर, कौन सा है, दरभंगा जो है इसका राइट आंसर है, कौन सा है, दरभंगा। दरभंगा में क्या है मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन की जाती है, किसके, मैंगो की। ओके, मैंगो जो है मैक्सिमम कहां पर ग्रो किया जाता है, दरभंगा में। जो पुराने टाइम में देखें तो अकबर कहा जाता है कि जो अकबर है, ठीक है, इसकी डिटेल्स और डेटा भी आपको मिल जाएगा। अकबर ने लगभग 1,00,000 प्लांट, ठीक है, मैंगो के कितने, 1,00,000 प्लांट जो है मैंगो के कहां पर लगाए थे, बिहार में लगाए थे, ठीक है, इसी एरिया में लगाए थे, कहां पर, दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा में ही अकबर ने प्लांट किए थे लगभग 1,00,000 मैंगो के ट्री। नेक्स्ट देखते हैं 98 क्वेश्चन आपके पास है, कौन सा है, विच ऑफ द इंडियन स्टेट इज लीडिंग इन फॉक्स नट और मखाना प्रोडक्शन। देखिए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मखाना है सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कहां पर होता है, बिहार स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट है लीडिंग प्रोड्यूसर, कोई मालदा प्लेस है, उसमें क्या होता है, देखिए मालदा प्लेस है, मालदा जो है मैंगो है, मिल्की मालदा, जिसे कि लंगड़ा भी कहा जाता है, ठीक है, लंगड़ा को ही मिल्की मालदा या दुधिया मालदा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, किसे जाना जाता है, जो लंगड़ा है उसी को मिल्की मालदा या दुधिया मालदा कहा जाता है। और जो मालदा नाम की जगह, ये वेस्ट बंगाल में एक मालदा नाम की जगह है, शायद वहीं से जो है वो ओरिजिनेटेड वो किस्म है, बस कहाँ पर ज्यादा ग्रो होती है, वो बिहार में होती है। ओके, तो जो मालदा मैंगो है ये भी बिहार में ग्रो किया जाता है। ओके, दुधिया मालदा इसे कहा जाता है, और लंगड़ा जो है आम तौर पर इसे जाना जाता है लंगड़ा के नाम से। तो बिहार जो है मखाना में लीडिंग प्रोड्यूसर है, वहीं पर देखा जाए तो 2022 में मिथिला मखाना को क्या मिला है, जीआई टैग दिया गया है। देखिए नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन कोपल ट्री। कोपल ट्री के नाम से किस पेड़ को जाना जाता है, इंडियन कोपल ट्री के नाम से किस ट्री को जाना जाता है यहां पर। किसे कहा जाता है यहां पर, बात करते हैं राइट आंसर की, तो वेटेरिया इंडिका जो है, ठीक है, कौन सा है हमारे पास, वेटेरिया इंडिका। वेटेरिया इंडिका को क्या जाना जाता है, किस नाम से, कोपल ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का हमारे पास यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनियल वीड। कौन सा जो है इसमें बाइनियल वीड है, इनमें से कौन सा बाइनियल वीड है। देखिए अलग अलग दिए गए हैं, डॉकस कैरोटा, देखिए तो गाजर है, वीड नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही बार हो गया। फिर आता है हमारे पास सर्सियम वल्गेर, ठीक है, और फिर आता है हमारे पास चिकोरियम इंटाइबस है, या ऑल ऑफ दीज। देखिए जो चिकोरियम इंटाइबस की बात करें तो ये कैसा है हमारे पास, पेरिनियल होता है, ये पेरिनियल नेचर का है। किस तरह का वीड है, ये पेरिनियल है,
वहीं पर बात करें डॉक्स कराटा, ये तो क्या है, गाजर है, क्रॉप है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर होगा कौन सा है, सरसियम वल्गेर। सरसियम वल्गेर क्या है, बाइनियल ये वीड है। ओके, कौन सा है, बाइनियल ये वीड होता है। सरसियम वल्गेर भी क्या है हमारे पास यहां पर, बाइनियल वीड है। वहीं पर जो जंगली घास होता है, ठीक है, जो जंगली जो डॉक्स कैरोटा, एक तो गाजर है हमारे पास, दूसरा जो इसका वाइल्ड कैरेट जो होता है, ठीक है, वो भी बाइनियल वीड है। हिरन खुरी जैसे आप कह रहे हैं, जी हाँ वो भी राइट आंसर है आपका। साबित खान जी वो भी सही है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारे पास कुछ मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ जो हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल जो है ये क्वेश्चन आपके लिए रहे होंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है इन्होंने मैक्सिमम जो है इसमें कवर हो गया है, जो लेटेस्ट जो जीके है, रिसेंट जीके है, वो भी कवर हुआ है, ठीक है। उसी के साथ जो है कुछ एग्रोनॉमी कवर हो गया, हॉर्टिकल्चर कवर हुआ यहाँ पर, साथ ही फॉरेस्ट्री है, जेनेटिक्स है, सॉलिड साइंस है, तो मैक्सिमम हर एक सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारे पास इस में जो है कवर हो चुके हैं आज के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये आज का जो लाइव सेशन है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइव सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, कमेंट और शेयर करना ना भूले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, शेयर जो है इस सेशन को जरूर करें। ओके, और साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एग्रीकल्चर एनजी के यूट्यूब चैनल हमारे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। और इस क्वेश्चन पेपर जो ये है, आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारी ऐप एग्रीकल्चर एनजी के पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एग्रीकल्चर एनजीके को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी आंसर की भी दे दी जाएगी और साथ में इस पेपर को भी अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, यह बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सही से जो है अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।